हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। तो आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है प्रायिकता। और प्रायिकता में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 15.1, यानी प्रश्नावली 15.1। टोटल एक एक्सरसाइज आपकी किसमें, चैप्टर 15 यानी प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को आप एक तरफ से ये समझ सकते हो कि चांस, या कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके कितने चांस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रायिकता के सूत्र से, यानी फॉर्मूले से। तो किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता को हम दिखाते हैं पी ई से, ठीक है। पी ई, पी से आपका आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। ई से हो जाता है आपका इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे आप एक सिंपल लिख सकते हो प्रायिकता, ठीक है। अगर आप ये नहीं दिखाते हो, पी ई अगर नहीं लिखते हो, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, सीधे सीधे प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता इक्वल टू आपका क्या होता है, अनुकूल परिणाम। बस अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपको कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अनुकूल परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट, अनुकूल यानी अनुकूल आपके पक्ष में, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आपको निकालनी है उसके पक्ष में आपके पास कितने चांस हैं, आपके पक्ष में कितने चांस हैं और टोटल कितने चांस हैं। जैसे मान लो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या जिस भी स्टेट में रहते हो, वहाँ पर टोटल आपके राज्य में कितने विधायक चुने जाते हैं, ठीक है। मान लो आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो या कांग्रेस पार्टी का आप अध्यक्ष हो, तो आप ये देखते हो कि टोटल विधानसभा में कितनी सीटें, जैसे उत्तराखंड में कितनी है, 70 सीटें। अब 70 में से बीजेपी के पास कितनी सीटें आई, बीजेपी के पास मान लेते हैं हम 70 में से 40 सीटें आई, तो बीजेपी के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 40, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, अनुकूल परिणाम, यानी पक्ष में कितने वोट पड़े, है ना। तो कितनी सीटें आई, अनुकूल परिणाम हो गया। और बट्टे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। और मैंने राजनीति का एग्जांपल सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि राजनीति आजकल बहुत लोगों को जल्दी समझ में आने लग गई है ना। आजकल हर गली में आप लोग देखोगे तो कई नेता घूमते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और उस एग्जांपल से आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे अनुकूल परिणाम क्या होता है और कुल संभावित। देखो, अनुकूल परिणाम मैंने क्या बोला कि बीजेपी को कुल कितने वोट, कितनी सीटें मिली, 40। और जैसे मैंने बोला कि कुल कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में टोटल कितनी सीटें हैं, मैंने बोल दिया 70, ठीक है, 70। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रायिकता निकालनी किसकी, बीजेपी की सीटों की आने की प्रायिकता, ठीक हो गया। तो यहाँ देखो, बीजेपी के पास 40 हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 40, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 70, ठीक है। तो प्रायिकता मैं बोलूँ कि बीजेपी की सीटों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे, 40/70। यहाँ पर आप इसको कट कर सकते हो तो कितना आ जाएगा, 4/7। आई होप बच्चों आप इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लो एक सिक्का मैंने उछाला, क्या क्या, एक सिक्का उछाला। अब एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2, ठीक है। मैंने एक सिक्का लिया, सिक्के को उछाला और सिक्के में कितने पहलू, 2, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कुल संभावित परिणाम आ गए। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि सिक्के में हेड आने की, है ना, हेड आने की प्रायिकता बताओ, क्या बताना है, हेड आने की प्रायिकता बतानी है। अब हेड कितने होते हैं सिक्के में, एक ही होता है, तो हेड आने के अनुकूल परिणाम यानी पक्ष में कितने परिणाम है इसके, 1, और कुल संभावित परिणाम यानी सिक्के में कितने टोटल परिणाम आ सकते हैं, 2। तो मैं बोलूँगा कि हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो आप क्या बोलोगे, हेड आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के 1/2। अगर ऐसे ही मैं बोलूँ टेल आने की प्रायिकता, ठीक है, तो टेल आने की प्रायिकता भी बच्चों कितनी हो जाएगी, देखो टेल आने के अनुकूल परिणाम 1 और कुल संभावित परिणाम 2, 1/2, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे किसको, इस फॉर्मूले को, किसके फॉर्मूले को, प्रायिकता, यानी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। पी आपका क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटी। ई आपको, आई आपका क्या दिखाएगा, इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। जैसे सिक्का मैंने उछाला, सिक्का में हेड आने की प्रायिकता बतानी है आपको, तो आपने क्या बोल दिया, 1/2। अगर मैं बोलूँ हेड ना आने की प्रायिकता निकालो, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया कि हेड आने की प्रायिकता नहीं निकालनी, आपको क्या निकालना है, हेड ना आने की प्रायिकता, हेड ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता। तब आप क्या करोगे, तब आप पहले निकालने की प्रायिकता निकालोगे, ठीक है, मतलब आने की प्रायिकता निकालोगे। आने की प्रायिकता आप निकाल चुके पहले, है ना, तो आने की प्रायिकता आपकी कितनी है, 1/2। अब ना आने की निकालनी है, तो ना आने के लिए आप क्या करोगे, एक में से हमेशा कोई भी क्वेश्चन करोगे तो अगर बोलेगा ना आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके आने की प्रायिकता ज्ञात करोगे, उसके बाद क्या करोगे, एक में से माइनस कर दोगे किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और ना आने की प्रायिकता को आप दिखाते हैं किससे, पी ब्रैकेट में, और इसके ऊपर लग जाता है बार, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
बार लग जाएगा। तो पी ई बार आपने निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, एक माइनस पी ई। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी। तो जैसे आपने निकाला है यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना के घटित होने की प्रॉब्लम एक बटे दो निकल गई, तो आपने क्या करना है, एक माइनस एक बटे दो सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हर बराबर करोगे आ जाएगा कितना, दो, दो की गुणा यहाँ हो जाएगी, दो एकम दो माइनस एक, तो दो में से एक जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, एक बटे दो। यानी सिक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक बटे दो, और ना आने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, एक बटे दो, किसके, हेड के आने की। ठीक है, आई होप बच्चों आप इन दोनों एग्जाम्पल से, एक ये आपका इलेक्शन वाला, दूसरा आपका सिक्के वाला, तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप क्या समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला समझ गए होंगे। ना आने की प्रायिकता को आप किससे दिखाओगे, पी ई, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। ठीक है, तो ना आने की प्रायिकता और आने की प्रायिकता के लिए हो गया आपका। अब मैं ये जो आपके एग्जाम्पल मैंने समझा है इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लीन, ताकि हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके और कर सकें। और इसमें थोड़ी चीज़ें और हैं, वो भी पहले मैं बेसिक आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जैसे यहाँ किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता के लिए क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ये आपका जो फॉर्मूला है पहला वाला, ये क्या हो गया, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता किससे दिखाओगे आप, पी ई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अब एक और आ जाए कि ना होने की बताओ, है ना, तो किसी घटना के, वो भी लिख लेते हैं, किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। ठीक है, तो ना होने की प्रायिकता के लिए मैंने क्या बोला, पी ई बार लगाओगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, ठीक है, इसको आप नॉट भी बोल सकते हो और बार भी बोल सकते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी मैंने बोला था आपको वन, यानी एक में से क्या कर दोगे आप, पी ई कर दोगे। ठीक है, वन माइनस कर दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब आप यहाँ पर आप चाहे तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, पी ई का मान देखो कितना, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। ठीक हो गया, अब चाहे या पी ई लिख दो फॉर्मूले में, यानी किसी घटना के घटित होने की ना होने की प्रायिकता निकालनी, तो आप क्या लिखोगे, पी ई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस पी ई, यानी पहले आप क्या निकालोगे, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालोगे, फिर उसको क्या कर दोगे, एक में से माइनस कर दोगे, तो आ जाएगा ना होने की प्रायिकता। आई होप बच्चों दोनों फॉर्मूले समझ गए होंगे। इसके अलावा अब मैं आपसे बोलूँ, ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसी कोई घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकती, तो उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे आप उसको। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो अभी मैं बोलूं कि एक आने वाले 10 मिनट में पूरी दुनिया से पानी का ख़त्म हो जाना, तो क्या ये संभव है, आने वाले 10 मिनट में, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मैं बोलूँ आने वाले 10 मिनट में इस पूरी दुनिया से पानी का ख़त्म हो जाना, तो क्या ये संभव है, तो आप कहोगे बिल्कुल मतलब संभव नहीं है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, असंभव घटना है। तो ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असंभव घटना बोलोगे। तो उसकी प्रायिकता बच्चों क्या हो जाएगी, जो कभी घट ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो। इतना तो आप समझ गए होंगे कि जीरो क्यों होगा यार, जो घटना घट ही नहीं सकती तो उसको आप क्या बोलोगे, जीरो तो बोलोगे, यानी उसकी चांस कितने हैं, घटित होने के चांस क्या हैं, जीरो हैं, घटित ही नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो। अब मैं बोल दूँ कि ये आप समझ गया कि किसी घटना के जो असंभव घटना उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो। फिर एक चीज़ मैं बोल दूँ कि जो घटना घटित होना निश्चित है, जो घटना घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूँ कि सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार आता है, कन्फर्म है आप लोगों को, सभी को पता है। अब मैं बोलूँ सोमवार के बाद मंगलवार आने की प्रायिकता बताओ, अब ये आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, कन्फर्म है, यानी सदैव सत्य रहता है कि सोमवार के बाद हमेशा क्या आता है, मंगलवार आता है, यानी ये क्या है, निश्चित घटना है ना। तो घटना के घटित होने, अगर निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी, वन, यानी जिस घटना का घटित होना निश्चित है, ठीक है, जो घटित होनी ही होनी है उसकी प्रायिकता हमेशा क्या रहेगी, वन रहेगी। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं प्रायिकता। प्रायिकता देखो कभी भी जीरो से छोटी नहीं हो सकती, यानी ये प्रायिकता क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। ठीक है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी,
जीरो से बड़ी और जीरो के बराबर और एक से छोटी और एक के बराबर होगी। ये आपने याद रखना है, यानी जीरो से छोटी नहीं हो सकती, जीरो से छोटी नहीं होगी, नहीं, जीरो से छोटी नहीं और एक से बड़ी नहीं, एक से बड़ी नहीं। ये माइंड में आपने सेट कर लेना है, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये आप समझ गए, जीरो से बड़ी नहीं हो, मतलब जीरो से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है, और एक से बड़ी नहीं हो सकती। अब एक क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप से हो जाता है कि आपको ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा और उसमें से बोलेगा कि निम्न में से कौन किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो उसमें आपने हमेशा सिर्फ दिमाग में क्या रखना है, माइनस, ऋणात्मक। प्रायिकता कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, आपने ये रखना है दिमाग में। क्या लिखना है, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैं बोलूं 10/5, क्या ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? अब आप लोग बताओ कि हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखो सॉल्व कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया आंसर निकल के, 2। तो अभी हमने क्या सीखा ऊपर कि प्रायिकता एक से बड़ी नहीं हो सकती, जीरो से छोटी नहीं हो सकती, बट आंसर आपका कितना आ रहा है, 2। तो ये भी किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये थे बच्चों बेसिक जो चीज़ें आपकी प्रोबेबिलिटी से लेकर के बनती है। आई होप बच्चों बेसिक आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट में बच्चों आपको रिक्त स्थान भरना है, इसमें कहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब क्वेश्चन इसमें जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब जैसे इसमें फर्स्ट नंबर है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होती है? तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, तो आप लोग ही बताना है कि उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। पहले हम एक सिक्का ले लेते हैं, ठीक है, सिक्का लिया। सिक्का में, एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2। क्या होता है, एक तो हेड होता है और दूसरा क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है होने की और ना होने की प्रायिकता, यानी दोनों का योग, बीच में आपको प्लस दिख रहा होगा, ठीक है, तो दोनों का योग बताना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, हेड होने की प्रायिकता निकाल लेता हूँ, ठीक है, हेड आने की प्रायिकता, यानी पहले मैं निकाल रहा हूँ क्या, पी ई, फिर उसके बाद क्या निकालूंगा, पी ई बार, ठीक है। इसको नहीं होने की प्रायिकता बोलते हैं, इसको बोलते हैं होने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अभी मैंने समझाया था, ठीक है, क्या हो जाएगी प्रायिकता, अनुकूल परिणाम, हेड देखो कितने हैं, 1, और कुल संभावित परिणाम, 1 ये और 1 ये, यानी एक सिक्के में 2 पहलू, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 2। तो ये हो गई किसकी, आने की प्रायिकता, क्या, हेड। अब यहीं हम क्या निकाल लेते हैं, हेड ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता। अब ना आने की प्रायिकता देखो, किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पी ई, ये हमने लगा दिया फॉर्मूला, 1 माइनस पी ई। यहाँ देखो पी ई का मान आपका कितना है, 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो 2 की गुणा हो जाएगी 1 में, तो 2 एकम 2 माइनस 1 पूरे के बट्टे में 2, 2 में से 1 घटाओगे बचेगा कितना आपके पास, 1, और बट्टे में कितना, 2। यानी पी ई बार, यानी ना होने की प्रायिकता 1/2 और होने की प्रायिकता 1/2। अब हमसे दोनों का योग पूछा है, यानी हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है पी ई प्लस पी ई नॉट बार। तो इन दोनों का योग जब करेंगे, देखो पी ई का मान 1/2 प्लस पी नॉट, सॉरी नहीं होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नॉट की प्रायिकता कितनी है, 1/2। तो इन दोनों का जब हम योग निकालेंगे, देखो हर बराबर है 2 आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे 2, दोनों को कट करने पर आपका कितना आ जाएगा, 1। यानी जो आपके फर्स्ट नंबर का फर्स्ट का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 1। आई होप कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह गया होगा। आप कह सकते हैं घटना, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योग कितना होगा, हमेशा 1 आएगा। ये आपने अभी से अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि एक नंबर हमेशा इससे पूछा जाता है कि किसी घटना के घटित होने और ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद देखते हैं अब सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या कहा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो बताना है, और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं या क्या कहलाती है वो घटना, तो उसको बताना है। तो ये तो मैं आपको अभी जब समझा रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था प्रायिकता से रिलेटेड, तभी आपको क्लियर कर दिया था कि जो घटना कभी घटित ही नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा 10 मिनट बाद पूरी दुनिया का खत्म हो जाना, तो क्या ये संभव है, संभव है ही नहीं। तो यानी ऐसी घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। यानी पहले वाला जो रिक्त स्थान है वहाँ पे आप कितना भर दोगे, 0। फिर अब ऐसी घटना, अब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब बहुत ही नामुमकिन है, नामुमकिन है यानी असंभव है, तो उसको आप क्या बोलोगे, असंभव घटना। आई होप बच्चों इसको सेकंड वाले को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो घटना कभी घट ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता 0, और उस घटना को हम क्या बोलेंगे, असंभव घटना, ठीक है। थर्ड नंबर में आ जाते हैं, थर्ड नंबर भी इसी की तरह, लगभग उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ठीक है, जिसका घटित होना निश्चित है। तो जो चीज़ होनी होनी कन्फर्म है, तो उसकी प्रायिकता हमेशा रहेगी 1, ये आपने याद कर लेना है, और उसको आप क्या बोलोगे,
निश्चित घटना, ठीक है। इस असंभव को अनिश्चित भी बोल सकते हो, अनिश्चित घटना या असंभव भी लिख सकते हो, अनिश्चित घटना या असंभव घटना। और जो निश्चित है यानी मतलब जो कन्फर्म है कि ये चीज़ होनी होनी है, ठीक है, यानी कल सूरज निकलेगा ये तो कन्फर्म है ना, तो उसको आप क्या बोलोगे, निश्चित घटना बोलोगे, ठीक है। आप कई बच्चे ऐसा ना बोले कि मतलब कल ज़रूरी नहीं कि सूरज निकलेगा, सूरज तो निकलेगा, हो सकता है बादलों के कारण, बादलों के कारण आपको दिखे ना, बट सूरज क्या है, डेली निकलता है, तो वो कैसी घटना है, निश्चित घटना, यानी वो चीज़ होनी ही होनी है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0, और जो संभव है यानी जिसका होना तय है कि ये चीज़ होनी होनी है, मेरे मरने की प्रायिकता बोलूँ तो तय है कि मैंने मरना ही मरना, भले 10 साल बाद 15 साल बाद, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 5 साल बाद मेरे मरने की प्रायिकता, तो आप कह सकते हो 1/2, यानी हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। बट अगर मैं बोलूँ आज से 100 साल बाद, तो 100 साल बाद आपको कंफर्म है कि मैं नहीं होऊंगा इस दुनिया में, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड नंबर समझ गए, अब देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में कहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, ये आपको बताना है। किसी प्रयोग की गई, अब जैसे मान लो हमने ले लेते हैं 2-3 घटना ले लेते हैं, गेंद ले लेते हैं, एक हरी गेंद, ठीक है, 2 हरी गेंद ले लो, 1 नीली गेंद ले लो और 1 ले लो लाल गेंद, ठीक है। अब बोला है प्रयोग की गई, क्या बोला है, प्रयोग की गई सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, यानी इन सब का योग कितना आना चाहिए, 1, यानी जब हम इनकी प्रायिकता निकालेंगे और जब हम सभी इनकी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो योग आना चाहिए कितना, 1। तो देखो हरी गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हरी की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम दिख रहा होगा आपको कि यानी जो इसके पक्ष में कितने हैं, 2, और टोटल गेंदे कितने आपके पास, 2, 3, 4, ठीक है, यानी इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 2/4। ऐसे ही नीली की बता दो, नीली की कितनी हो जाएगी, नीली के लिए फॉर्मूला देखो, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, अनुकूल कितने हैं, 1, और कुल कितने हैं, 4, नीली के लिए हो गई। लाल के लिए निकाल लेते हैं, देखो लाल के लिए कितना हो जाएगा, 1 अनुकूल और कुल संभावित कितने, 4। अब बोला है प्रारंभिक, यानी जितनी भी हमने घटनाओं की प्रायिकता निकाली उन सब का योग क्या होगा, तो यहाँ योग देख लेते हैं, 2/4 + 1/4 + 1/4, इनका योग 1 आना चाहिए, देखो हर बराबर है कितना आ जाएगा, 4, 2 + 1 + 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, देखो 4 से 4 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो आप कह सकते हैं कि किसी प्रयोग की गई सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। आई होप इसको भी आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका लास्ट यानी पाँचवा नंबर। पांचवा नंबर तो आपके दिमाग में अब तक सेट हो ही चुका होगा, मेरे पढ़ने से पहले आप लोग वहाँ कॉर्नर पर देख करके आंसर आपके माइंड में आ गया होगा। किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी या उसके बराबर होती है तथा किससे छोटी और उसके बराबर होती है, तो आपको पता है 0 से बड़ी और 0 के बराबर व 1 से छोटी व उसके बराबर होती है। तो जो पहला वाला आपका रिक्त स्थान है वहाँ पर आपने कितना भरना है, 0, और जो दूसरा वाला है वहाँ पर आपने कितना भरना है, 1, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों देखो ये आपका सिर्फ दिमाग का यूज़ करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, और ये क्वेश्चन आज तक अभी आपके एग्जाम में भी नहीं आया। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ उसके बाद समझा देता हूँ कि इसमें आपसे पूछा क्या गया है। इसमें कहा है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक का मतलब समझते हो, देखो सम मतलब क्या हो जाएगा, समान, सम मतलब क्या, समान, और प्रायिक मतलब हो जाएगा प्रायिकता, ठीक है। यानी ऐसे प्रयोग, ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकता क्या हो, समान हो, वो आपके क्या कहलाएंगे, समप्रायिक कहलाएंगे, ठीक है, समप्रायिक परिणाम कहलाएंगे। अब इसमें बोलना है कि इनमें से आपको 4 दे रखे हैं, टोटल 4 में से कौन कौन समप्रायिक है और कौन नहीं है, यानी जिनकी प्रायिकता क्या आएगी, समान आएगी, वो समप्रायिक हो जाएंगे, जिनकी प्रायिकता समान नहीं आएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, समप्रायिक नहीं होंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है, यानी टोटल क्या होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए जो भी आप क्वेश्चन देखोगे। अब एक क्वेश्चन मान लिया मैंने कि सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर के मैं बोलूं कि 0 पर आउट होने की प्रायिकता आप बताओ कि क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, 1/2, सचिन के 0 पर आउट होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी या नहीं होगी, तो आप बोलोगे नहीं। देखो सचिन क्या है, सचिन के बारे में आप देखोगे तो वो बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब वो क्या हुआ है, 0 पर आउट हुआ है, यानी 0 पर जो उसके आउट होने की प्रायिकता है वो क्या है, बहुत कम है। आप मान लो 100 में से 10 बार क्या हुआ, 100 में से 10 बार कौन, सचिन 0 पर आउट हुआ है,
और कितनी बार, 90 बार नहीं हुआ है। तो आप इसको क्या बोलोगे, सम प्रायिक है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या आप इसको 1/2 बोलोगे, अगर आप इसकी प्रायिकता निकालोगे, जीरो पर आउट होने की प्रायिकता 1/2 होगी या नहीं होगी, तो आप कहोगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगी, देखो 100 में से 10 बार कौन हो रहा है, सचिन जीरो पर आउट हो रहा है, और 90 बार जीरो पर आउट नहीं हो रहा है। तो यहीं से बच्चों आपको समझना है कि संप्रायिक क्या है और उसका मतलब क्या निकलेगा, ठीक है। आई होप बच्चों इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि संप्रायिक हमें कैसे देखना है और कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोचना है। बाकी ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने है नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो संप्रायिक यानी 50-50 चांस होना चाहिए उसका, क्या होना चाहिए, 50-50 चांस होना चाहिए। अब मैं बोलूँ जैसे कोई बैट्समैन क्या करता है, 6 बॉलों में 6 छक्के लगाता है, ठीक है, 6 बॉल में 6 छक्के लगाने की प्रायिकता, ये संप्रायिक होगा या नहीं होगा। अब आप कहोगे कोई कोई एक बैट्समैन, जैसे आपने युवराज सिंह के बारे में सुना होगा, तो अभी तक मतलब बहुत कम ऐसे हैं जिसने 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए, सभी तो नहीं लगाते हैं। तो इसके आप बोल सकते हो कि 1000 में से एक मैच में, या इससे भी कम, 10000 में से एक मैच में किसी ने 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए होंगे। तो क्या आप 6 बॉल में 6 छक्के लगाने की प्रायिकता 1/2 से दिखाओगे, नहीं होगा ना। तो आप ये देखो, ऐसे आपने प्रयोग देखने हैं जिसका क्या हो, 50-50 चांस हो, यानी 1/2 चांस हो। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ आप कितना ले लोगे, 100 में से 0.1% आएगा, ठीक है, जब आप इसकी प्रायिकता निकालोगे 100 में से 0.1, यानी ये 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाना क्या है, संप्रायिक नहीं है। आई होप थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट इससे आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसका क्वेश्चन, इसके जो क्वेश्चन है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप ये आपकी मेंटलिटी चेक करने के लिए आप कितना सोच सकते हो। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब यहाँ कार की बात हो रही है, अब आपके घर पर कार खड़ी है, ठीक है, एक सोचने वाली बात है, आपके घर पर कार खड़ी है, तो आप एक साल में, ठीक है, एक साल में ऐसा हुआ, टोटल मान लेते हैं हम एक साल में 300 दिन मानना है, ठीक है, एक साल में 365 दिन होते नहीं, 365 और 366, ठीक है, एक साल में हमने मान लिया 300 दिन। अब क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि यानी 150 दिन तो आपकी कार क्या हो गई, स्टार्ट हुई, ठीक है, 150 दिन आपकी कार स्टार्ट हुई, और 150 दिन कार स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, 150 दिन स्टार्ट हुई, 150 दिन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। क्या ऐसा होता है आपके साथ, या आज तक हुआ है आपके पड़ोस में ऐसा किसी के साथ हुआ, नहीं हुआ है ना, यानी ये क्या 50-50 नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 300 दिनों में से आपके 10 दिन कार स्टार्ट नहीं हुई, ये हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ कि 300 में से 10 दिन आपकी कार स्टार्ट नहीं हुई होगी। तो अब ये बोलो कि ये संप्रायिक है या नहीं है, आप माइंड में सोचो कि ये संप्रायिक है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि 300 में से कितने दिन, मुश्किल से 10 दिन भी बहुत ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, कभी कभार अगर उसमें कोई फॉल्ट हो गया तो वो स्टार्ट नहीं होती, अदरवाइज वो कार स्टार्ट होती ही होती है ना। तो ये संप्रायिक नहीं होगा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, सेकेंड नंबर के फर्स्ट में, संप्रायिक नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है आप समझ गए होंगे, संप्रायिक नहीं है, ठीक है। और बाकी का जो कारण है स्पष्ट देने के लिए का, तो स्पष्ट में आप ये लिख सकते हो कि ना के बराबर क्या होता है, ऐसा होता है कि जब कार स्टार्ट ना हो, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर में कहा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। अब यहाँ देखो, यहाँ खिलाड़ी बोला है और बास्केटबॉल बोला है। अब खिलाड़ी क्या होता है, जो गेम्स में निपुण होता है, मतलब जिसको अच्छे से आता है कोई गेम, उसी को आप खिलाड़ी बोलोगे। अनाड़ी, जिसको गेम अच्छे से नहीं आता उसको आप क्या बोलते हो, अनाड़ी बोलते हो ना, जो ठीक से नहीं खेल पाता अनाड़ी है वो, और जो जो एकदम परफेक्ट है किसी भी गेम में उसको आप क्या बोलोगे, खिलाड़ी बोलोगे। अब यहाँ पे बोला है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब यहाँ बोलो कि कोई खिलाड़ी है, ठीक है, खिलाड़ी है, तो यार जब ये परफेक्ट है गेम में, तो ये उस बास्केटबॉल को बास्केट में डाल पाएगी या नहीं डाल पाएगी। कोई भी यूट्यूब वीडियो उठा लो और बास्केटबॉल के प्लेयर को देख लो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मैं ये कहूँगा कि 100 में से मुश्किल से 5 बार वो नहीं डाल पाएगा, बाकी 95 बार कन्फर्म है कि वो डाल ही पाएगा, यानी 95 बार वो इसमें डाल देगा बास्केट में, ठीक है, जो बास्केट होती है उसमें बास्केटबॉल डाल देगा, कितनी बार, 95 बार, बट हो सकता है 5 बार भी, मतलब क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में बोल दे खिलाड़ी, अगर खिलाड़ी की जगह कोई व्यक्ति बोला होता,
व्यक्ति महिला बच्चा बोला होता तब हम कह सकते थे कि 50-50 चांस है कि हाँ वो डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। पर यहाँ पे उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि कोई खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करता है और वो डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। तो यहाँ देखो 100 में से आपको भी पता है कि 100 में से 95 बार 90 बार वो डाल पाएगा, ठीक है, हम 95 नहीं लेते 90 ले लेते, तो 100 में से 90 बार वो क्या करेगा, कन्फर्म उसमें डाल देगा बास्केट में क्या, बास्केटबॉल, 5 बार नहीं डाल पाएगा। तो आप बताओ ये सांप्रदायिक है या नहीं है, यानी 50-50, यानी 50 बार डाल रहा है 50 बार नहीं डाल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हमें यहाँ जो आंकड़ा मिला है 95, यानी ज़्यादा हो रहा है ये कम हो रहा है, यानी ज़्यादा और कम यानी समान नहीं आ रही है ना प्रायिकता। तो आप क्या बोलोगे, ये भी सांप्रदायिक नहीं है। तो सांप्रदायिक क्यों नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि क्योंकि वह खिलाड़ी है और खिलाड़ी क्या होता है, किसी भी खेल में निपुण होता है तो वो आसानी से बास्केट में बास्केटबॉल को डाल सकता है, ठीक है, तो जो उनकी प्रायिकता आएगी समान नहीं आएगी। आई होप बच्चों ये समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, मतलब सेकंड का थर्ड, इसमें कहा है एक खिलाड़ी बास्केट, सॉरी, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन है और यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान का मतलब आप समझ सकते हो तुक्का, ठीक है, तुक्का लगा रहे हैं, सही गलत सही गलत सही गलत, ठीक है, तुक्का लगा रहे हैं, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, ठीक है, उत्तर सही है गलत होगा। अब देखो यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है, यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है कि हाँ ये चीज़ सही होगी, 90% सही होगी, 10% सही होगी, बस क्या लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं। अब तुक्के में क्या क्या होता है, पहला क्वेश्चन लिया या तो वो सही होगा या फिर गलत होगा, दूसरा क्वेश्चन लिया वो सही होगा गलत होगा, फिर तीसरा लिया सही होगा गलत होगा, यानी 50-50% चांस रहता है। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, सिक्के में क्या आते हैं 1/2, ठीक है, यानी चांस रहता है कि या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, हेड आने के बोल तो 1/2, तो ऐसे ही यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं वो 50-50, या तो वो सही होगा या गलत होगा, तो ये क्या होगा, सांप्रदायिक होगा, ठीक है, सांप्रदायिक होगा, यानी इसकी जो प्रायिकता आएगी समान होगी, सांप्रदायिक होगा, ठीक है। सांप्रदायिक, देखो सांप्रदायिक को आप लिख सकते हो कि यहाँ क्या है, अनुमान लगाया जा रहा है और क्वेश्चन के क्या हो सकते हैं, दो ही अनुकूल परिणाम हो सकते हैं, या तो वो सही होगा या फिर गलत होगा, तो ये तुक्का लगाने वाली बात है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सांप्रदायिक होगा, क्यों होगा, आई होप बच्चों अच्छे से समझ गए होंगे। जो इसका फोर्थ नंबर, उसको देखते हैं, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। अब देखो जन्म की बात को लेकर है, तो आप देखो आप हमेशा नोटिस करोगे या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, या बॉय या गर्ल, तो इसके भी क्या रहती है प्रायिकता, 1/2 रहती है, यानी ये भी हमको कंफर्म नहीं रहता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, क्योंकि इस समय आप देखोगे इंडिया में लिंग जांच कराना, ठीक है, बच्चे का लिंग निर्धारण करना क्या है, अपराध है, ठीक है, बैन है इंडिया में, तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे का लिंग निर्धारण जाँच नहीं करा सकते, तो ये कन्फर्म नहीं है कि लड़का ही होगा। अब मान लो किसी के लगातार 4 लड़के हैं, ऐसा ही हो सकता है क्या, कन्फर्म नहीं है, हो सकता है लड़का हो या लड़की हो सकता है लड़की हो या लड़का हो, है ना, तो यहाँ पे भी क्या है आपका 50-50 चांस है, या तो लड़की हो सकता है या लड़का हो सकता है, तो यहाँ पे भी आपके लिखोगे सांप्रदायिक है, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इतना स्पेशल नहीं है, कोई VIP नहीं है, जिसको आप अच्छे से बिल्कुल 100% इसको देखो, बस मेन था इसमें आपको समझ आ जाना चाहिए, तो एग्जाम्पल मैंने अच्छे से समझा दिए होंगे, ठीक है, जो आपको और अच्छे से माइंड में सेट हो चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे फुटबॉल का एग्जांपल दे रखा है, बट आप रियल लाइफ में आपने क्रिकेट या कोई भी गेम खेला होगा तो आपने देखा होगा हमेशा क्या किया जाता है, एक सिक्का लेते हैं और सिक्के को उछालते बोलते हैं बता हेड लेगा या टेल लेगा, तो आप क्या करते हो, या तो हेड बोलते हो या टेल बोलते हो। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में कहा है, फुटबॉल के खेल को आरंभ करने यानी स्टार्ट जब करते हैं, तो यह समय स्टार्ट करते समय यह फैसला किया गया कि कोई सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब न्याय संगत इसलिए माना जाता है, बस आप ये लिखोगे कि एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, जल्दी से बताओ, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं, ठीक है, एक तो होता है आपका हेड और एक होता है आपका टेल, ठीक है, 2 पहलू होते हैं, चित या पट, ठीक है, चित या पट, लिख दोगे क्या, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड या टेल, ये क्वेश्चन कभी आज तक आया नहीं है, बट फिर भी हम इसको देखते हैं अच्छे से, 2 पहलू होते हैं चित या पट, ठीक है, और टीमें भी फुटबॉल के मैच में जब जिन मैच होता है तो 2 ही टीमों में मैच होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं फुटबॉल मैच 2 टीमों के बीच खेला जाता है, 2 टीमों
के बीच खेला जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो दो टीमों के बीच हम क्या कर रहे हैं, मैच करा रहे हैं, और आपके एक सिक्के में कितने पहलू हो गए, दो। तो दोनों टीमों के कैप्टन से क्या पूछा जाता है, दोनों टीम कैप्टन सिक्के को न्याय संगत मानते हैं क्योंकि सिक्के द्वारा सही निर्णय किया जा सकता है, किया जा सकता है। बस इतना लिख दो, एग्जामिनर संतुष्ट, एग्जामिनर खुश। ठीक है, आपने यहाँ पे पूरा बता दिया कि एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड या टेल, चित या पट। फुटबॉल दो टीमों के बीच खेला जाता है, दोनों टीम कैप्टन सिक्के को न्याय संगत मानते हैं। ठीक है, सिक्के को न्याय संगत मानते हैं क्योंकि सिक्के द्वारा सही निर्णय किया जा सकता है। ठीक है, और किसी भी टीम की जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, किसी भी टीम द्वारा, किसी भी टीम द्वारा, जैसे इसमें पूछा है कि कौन सी टीम पहले बॉल लगी, तो किसी भी टीम द्वारा पहले बॉल लेने की प्रायिकता, पहले बॉल लेने की प्रायिकता, लेने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों? देखो अनुकूल परिणाम एक टीम को देना है तो एक, और कुल संभावित परिणाम दो, यानी सिक्के में दो पहलू होते हैं तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? 1/2। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी आप अच्छे समझ गए। इसमें सिर्फ इतना काम करना था कि न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें दो आपके क्या होता है, जो आपने इसका जो मेन आंसर है पहली लाइन में आपको दिख गया होगा, एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, चितवा पट, तो दोनों टीमों के बीच खेला जाता है, दो टीमों के बीच खेला जाता है तो वो क्या करते हैं, दोनों को न्याय संगत मानते। तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, और यहाँ देखो बोर्ड में क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख ही नहीं रहा है, जो आपका कैमरा है वो सेटअप थोड़ा उस साइड हो गया, यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड कट गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया कंप्लीट, आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आई होप आप पहले ही जानते होंगे इसका आंसर, क्यों? क्योंकि मैं पहले जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा था तभी मैंने इसका समझा दिया। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, जैसे इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, ए नंबर पर दे रखा है आपको 2/3, बी नंबर पर दे रखा है आपको माइनस का 1.5। कई बच्चों के फेस पर मुस्कुराहट भी आ गई होगी क्योंकि उनको आंसर पता चल चुका है। तीसरा दे रखा आपको 15% और डी आपको दे रखा है 0.7। ठीक है, अब यहाँ जैसे जो समझने जैसी बात है, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे नीचे वाली लाइन पढ़ोगे कि माइनस यानी आप यहाँ पर देख सकते हो कि माइनस आ गया है, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो यहाँ देखोगे माइनस का 1.5। ठीक है, यानी ऋणात्मक तो कभी हो नहीं सकती, तो आपको आंसर तो सीधे सीधे पता चल गया कि ये वाला आंसर है। अब इसमें तीन ऑप्शन और आपको दिख रहे होंगे, पहला आपको दिख रहा होगा 2/3, बट आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, प्रायिकता क्या होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर, या फिर 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहाँ तो 2/3 दे रखा है, अब ये ना तो 0 है और ना 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में चेंज कर लेते हैं। यहाँ जैसे आपको ये वाला दिख रहा होगा 0.7, तो ये आपको पता है 1 से क्या है छोटी है, अगर आप 0.7 में अगर 0.3 और ऐड कर दोगे तब जाके पूरा क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, यानी इसको आप कह सकते हो 1 से छोटी है, तो यानी डी नंबर भी आपका क्या है, प्रायिकता हो सकती है। अब फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं, 3 का भाग देना हमें 2 से, पॉइंट लगाया 0, 3 छंग 18। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका कितना 2, फिर 0 लगाया 3 छंग 18, तो अभी देखो 0.66 आ रहा है, 0.66 ये रिपीट होते रहेगा, तो ये देखो 0.66। ठीक है, तो अगर आप इसमें कितना जोड़ दो, 0.666 में अगर आप 0.444 जोड़ दो तब जाके ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। देखो 6 4 10 का 0 ऐसे लगा 1, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, तब जाके आपका कितना बनेगा, 1.11 बनेगा। ठीक है, यानी ये भी जो मान आ रहा है 0 और 1 के बीच में आ रहा है, यानी 0 और 1 के बीच में, ये मान भी आपका 0 और किसके बीच में, 1 के बीच में, और ये वाला मान 0 से छोटा है, यानी 0 से भी क्या है, छोटा है, माइनस में चलेगा, ये नहीं हो सकता। 15%, अब देखो 15% है, अब आपको इसमें क्या करना है, आप इसको भी चेंज कर लो किसमें, बट्टे के रूप में। 5 का भाग देखो 15 में चलेगा, 100 में चलेगा, 5 3 15 और यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10 0। अब यहाँ पे कितना आ गया 20 और इधर आ जाएगा 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 20 एक कम 20। ठीक है, फिर कितना बचा 10,
पॉइंट आप लगा चुके हैं जीरो डॉलर, 20 × 100 कितना आया, 0.15, 0.15। तो देखोगे ये भी क्या है, एक से छोटा है। जब यहाँ पॉइंट के इधर एक लिखा आ जाता और इधर 1.5 होता तब ये एक से बड़ा हो जाता, जब तक पॉइंट के बाद पॉइंट के इस साइड यानी लेफ्ट साइड में एक नहीं आता तब तक वो क्या है, एक से छोटा है। आई होप बच्चों इन चारों ऑप्शन के आप अच्छे से समझ गए। कई टीचर बस आपको सही आंसर बता देते हैं कि ऋणात्मक नहीं है, बट बाकी के जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं उसके बारे में आपको बताता नहीं है। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि एग्जाम में भी आपके ये माइनस तो नहीं दे देता, बट इसके अलावा कई और भिन्न के रूप में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से बताओ कौन सी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, तब आप इसको सॉल्व करने में बड़ी आपको परेशानी हो जाती है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो ऐसा है कि घणित चौधरी बन लाग रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, यदि पीई ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात ज्ञात करनी है, यानी ये आपको दे रखा है ये निकालना है। अब आपको पता ही ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी ई बार इक्वल टू होता है 1 − PE। क्वेश्चन में क्लियर आपको यहाँ पे आप लिख लो दिया है, ठीक है क्या दिया है, पी ई आपको दे रखा है कितना, 0.05, यानी इस पी ई का मान दे रखा है 0.05। पी ई बार निकालना है तो सीधा वैल्यू रख दो, पी ई बार इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 − 0.05। अब बस बच्चे जो गड़बड़ करते हैं यहीं सारा खेल यहीं उनका हो जाता है ख़त्म। अब घटाना कैसे करते हैं देख लो, यहाँ पॉइंट के बाद देख लो कितने अंक हैं, 2, तो यहाँ पॉइंट लगाओ 2 अंक यानी 2 जीरो भर दो। अब नीचे देख लो क्या है, पॉइंट के बाद क्या है, 0.05, जहाँ आपको खाली जगह दिख रही है वहाँ क्या कर दो, 0 भर दो। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाओ। अब यहाँ देख लो इसको यार दोबारा से समझा देता हूँ, फिर बच्चे कहेंगे कहाँ से क्या आ गया। ऊपर आपको दे रखा है 1, घटाना कितना है आपको 0.05। अब ऊपर 1 के बाद क्या है, अगर यहाँ पॉइंट लगाओगे तब तो क्या हो जाएगा, ये 0.1 बन जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा ये आपका खेल पूरा। बट 1 के इस साइड यानी राइट साइड पॉइंट लगाओगे तब भी वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब आपका जो अगला काम रहता है, जहाँ आपको खाली जगह दिख रही है वहाँ क्या भर दो, 0 भर दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस एक में से 0.05 को माइनस करना है। अब इस 0 में से 5 क्या होगा, माइनस नहीं होगा, 1 आपने मांगना है इससे उधार। अब ये बेचारा पहले ही क्या है, जेब खाली है इसकी, बैंक अकाउंट इसका पहले ही पूरा निल हो चुका है, लूट चुका है बैंक इसका पूरा। तो ये बेचारा क्या करेगा, अपने पड़ोसी से मांगेगा। अब ये कहेगा चल यार मेरे पास भी एक है, अगर तेरा टाइम हो रहा है मतलब तू अगर इससे कुछ गुजारा कर सकता है तो ले ले। तो अब इसने बेचारे ने क्या किया, यहाँ से 1 लिया। ठीक है, अब यहाँ से 1 लेकर के अब इसने इसके छोटे भाई ने मांग रखा तो इसने अपने छोटे भाई को दे दिया। अब जब यहाँ आ गया तो ये हो गया कितना, 10 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा बच्चों, 5। 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब यहाँ देखो जब इसने 1 यहाँ से ले लिया तो इसने क्या कर लिया, उस 1 से थोड़े 10 रुपये बना लिए थे, उसने 10 में से 1 वहाँ दे दिया। अब इसके पास बचे कितने, 9। तो 9 में से 0 माइनस करोगे कितना बचेगा, 9। पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये बेचारा जब इसने 1 अपना उधर दे दिया तो इसके पास क्या बचा, 0 खाली बचा। तो आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया, 0.95। ये आपका क्या निकल के आ गया, नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता, यानी किसी घटना के घटित होने की ना प्राय, किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता कितनी आई, 0.95। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बच्चों आप देख ही रहे होंगे, क्यों, क्योंकि भैया जब मैं यहाँ ये कंप्लीट कर रहा था बोल रहा था और बोलते बोलते 3-4 मिनट इसमें लगा दिए, उसके बाद जब वहाँ पहुँचा तो देखा वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, तो सॉरी बट इसका सॉल्यूशन अब मैंने कहा मिटा करके दोबारा लिखो, इससे अच्छा यहाँ पर मैं दोबारा इसको एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन जैसा कहा है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियाँ, नींबू की महक वाली मीठी गोलियाँ। अब एक चीज़ ये ध्यान में सेट कर लो माय लॉर्ड कि नींबू की महक वाली मीठी गोली के अलावा उस थैले के अंदर कोई और गोली नहीं है। ठीक है, ना सेंटर फ्रूट घुसेगा ना उसके अंदर चॉकलेट की गोली घुसेगी, क्या है सिर्फ उसके अंदर नींबू की महक वाली मीठी गोली, उन्होंने पहले ही बोल दिया है फर्स्ट लाइन में। अब आगे क्या बोला है, मालिनी बिना थैले में झाके, जादूगर का बैग है उसमें बिना झाके एक गोली निकालती है। भैया पहली गोली निकाली उसमें से देखा कबूतर निकल के आ गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। अब मुझे ये, अब जैसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछे, पहला बोला संतरे की महक वाली, तो संतरे की महक वाली, अब आप इसमें ये बताओ मेरे को उसके अंदर कौन सी महक वाली गोली है, नींबू की महक वाली गोली है, तो क्या उसमें से संतरे की महक वाली गोली निकल सकती है। ठीक है, कोई जादूगर का बैग तो है नहीं वो कि उसने नींबू की महक की सारी गोलियाँ डाली और उसके अंदर से संतरे वाली निकल रही है। तो जब उसके अंदर संतरे वाली महक की गोली एक भी नहीं है, यानी इस घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सारी गोलियाँ कैसी है, मान लो 100 गोली है नींबू की महक वाली, अगर वो पहली निकालेगी तो भी नींबू की महक वाली निकलनी है, 100वीं उठाएगी तो भी नींबू की महक वाली निकलनी है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्यों 0 इसलिए प्रायिकता आ जाएगी उसकी, क्योंकि थैले में नींबू की महक वाली गोलियाँ है।
क्वेश्चन में आपसे कैसे क्या पूछा है, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे। और कारण क्या दो दोगे, क्योंकि उसके अंदर सारी कैसी है, नींबू की महक वाली गोली। आई होप बच्चों इसको आप समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन मैं पहले इसलिए आपको लिखा हुआ मिल रहा है क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी और मैं पूरा सॉल्यूशन बता रहा था। ठीक है, सेकेंड नंबर देखना आप इसमें, कहा है नींबू की महक वाली। अब क्वेश्चन में जैसे कहा है नींबू की महक वाली, सारी कैसी हैं, मीठी गोलियाँ। अब बोला है कि अब ये बताओ, जो उसके बाद फिर अगर वो दोबारा निकालेगी तो क्या वो नींबू की महक वाली गोली होगी या नहीं होगी। तो हमको पता है भैया कि सारी गोलियां नींबू की महक वाली है, तो उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। अगर मैं पहली गोली उठाऊंगा कैसी आएगी, नींबू की महक वाली। तीसरी उठाऊंगा, दूसरी उठाऊंगा, तीसरी, दसवीं, सर कोई भी गोली उठाऊंगा, अगर मान लो 1000 गोलियां तो कोई भी गोली उठाऊंगा क्या निकलेगी मेरी, नींबू की महक वाली मीठी गोली ही निकलेगी। तो यानी वो चीज़ कन्फर्म है कि होनी ही होनी है। तो उसकी प्रायिकता हमने कहा है कि जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होती है, हमेशा एक होती है। जो असंभव है, जो अनिश्चित है, जिसका घटित होना कभी हो ही नहीं सकता, यानी घटना कभी घटित ही नहीं हो सकती, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, जीरो। तो ये स्टार्टिंग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ। तो ना होने की प्रायिकता जीरो और होने की प्रायिकता क्या, जो कन्फर्म उसकी एक हो जाएगी। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन जैसा है नहीं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी आप थोड़ी देर पहले ही कर चुके हो। बताओ कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा, 5वां नंबर। वहाँ होने की दे रखी थी, ना होने की निकालनी है। अब यहाँ ना होने की दे रखी है, होने की निकालनी है। ठीक है, तो ना होने के लिए भी अगर ये दे रखा है ये निकालना है तो भी आप वही करोगे, एक में से माइनस। अगर ये दे रखा है और ये निकालना है तो भी एक में से माइनस करोगे। ठीक है, तो मान लो जैसे PE है दे रखा है, अगर आप या तो डायरेक्ट निकाल लो, होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अगर आपको ये दे रखा है PE0 दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस PE बार। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि ये होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता क्या है, एक दूसरे के पूरक होती है। अभी समझ आ जाएगा, वहाँ इतना हमें भाषण सुनना भी नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि ऐसा खाली सुनने से दिमाग होता है हमारा ख़राब, हम करेंगे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब इसमें क्या कहा है, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन, ना होने की प्रायिकता। ठीक है, दो तीन है, तीन में से दो का दे रखा है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही ना होने की प्रायिकता आपको दे रखी है। तो यहाँ लिख लेते हैं, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही ना होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही क्या दे रखा है भाई, एक ही दिन, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, यानी PE आपको दे रखा है कितना बच्चों, 0.995, ना होने की प्रायिकता दे रखी है। अब होने की निकालनी है, उसके लिए अब क्या कर देंगे, पहले लिख लेते हैं जैसे क्वेश्चन में कहा है, जो हमसे पूछा है, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन क्या एक ही दिन होने की प्रायिकता। यहाँ ना होने की दे रखी है, हमें क्या निकालनी है, होने की प्रायिकता निकालनी है, होने की प्रायिकता। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये आप एक चीज़ यहाँ जैसे समझ लो कि अगर ये आपको दे रखा है और ये निकालना है तो क्या कर दो, तो एक में से, यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, देखो PE दे रखा है समझाने के लिए, 1 माइनस PE बार। ठीक है, अब मान लो आपको इसका मान दे रखा है, इसका निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस PE को यहाँ ले आओ, इस PE को यहाँ ले आओ, यानी PE बार को इधर ले आओ, माइनस का इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इतना तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इस PE को जब प्लस के इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, यानी एक का मान दे रखो तो दूसरे का मान आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब ना होने की प्रायिकता निकालनी है तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, PE बार आएगा, नहीं आएगा क्योंकि होने की निकाल रहे, तो होने के लिए क्या आता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस PE बार, यानी एक में से हम क्या घटा देंगे, ना होने की प्रायिकता, 1 माइनस। अब होने की, ना होने की प्रायिकता आपको कितनी दे रखी है बच्चों, ना होने की प्रायिकता आपको दे रखी है 0.995। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, पता नहीं आज वीडियो को क्या हो जा रहा है, अपने यहाँ पे बंद हो जा रही है, यहाँ आ रहा हूँ 2-3 मिनट हो जा रहे हैं, फिर जाके अगर मैं देख, बीच में बार बार मैं इसलिए जा रहा हूँ कि चेक कर लूँ कि रिकॉर्ड हो भी रही नहीं हो रही है। दो बार ऐसा हो गया
क्वेश्चन पूरा लिखने के बाद एक तो क्वेश्चन मैंने पूरा मिटा करके दोबारा किया। अब यहाँ एक में से घटाना है आपने 0.995, तो देखो कैसे घटाएंगे, एक और उसके बाद लगा दो दशमलव, क्योंकि अगर राइट में लगाओगे पॉइंट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट में नहीं लगाना है, लेफ्ट में लगाओगे तो बड़ा बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, ये एक गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो हमें गुस्सा किसी को नहीं करना है, एक के बाद हमने पॉइंट लगाया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो पॉइंट के बाद, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, ये आपने सीखा बचपन में। देखो पॉइंट से पहले क्या है, जीरो, तो हमने इधर पॉइंट से पहले क्या दे दिया, जीरो, इधर क्या है 995। अब जहाँ ऊपर जगह आपको खाली दिख रही है तीन अंक के ऊपर, वहाँ क्या भर देते हैं हम, जीरो। फिर से उधार मांगने का सिलसिला कर देते स्टार्ट। अब इस जीरो में से पाँच जाएगा नहीं, ये अब ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, तो ऐसे अब एक एक बढ़ता जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर एक यहाँ दे दिया 10 हो गया, फिर यहाँ एक मांगा 10 हो गया, तो 10 में से पाँच जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ बचा 9, 9 में से जाएगा 0, पॉइंट का आ गया पॉइंट, यहाँ बचा 0, 0 में से जाएगा 0, क्या बचा आपके पास 0.005, 0.005, ये आपका क्या निकल के आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता आपकी क्या आ गई, 0.005। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, मैं तो भूल गया, क्वेश्चन नंबर सेवन भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 8 जल्दी से पढ़ देता हूँ और इसका सॉल्यूशन देखोगे बच्चों कितना ईजी है, मज़ा ही आ जाएगा इसको कर करके। देखो एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं, अब जो जो लिखा है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, और पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि पता चल जाए क्या करना है इसमें। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, यादृच्छा मतलब ऐसे ही निकाल ली जाती है, हाथ डाला और निकाल ली। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो, होने की प्रायिकता बतानी है और ना होने की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमको दे रखा है, लाल गेंद आपको दे रखी कितनी 3, और दूसरा जो है आपको दे रखा है काली गेंद, ठीक है, तो लिख लो काली गेंद कितनी 5। तो यहाँ आप लिख सकते हो क्या कुल गेंद कितनी आपके पास 5 और 3 को जोड़ दो आ जाएगा टोटल कितना 8, कुल गेंद आपके पास 8, और ये कुल गेंद का मतलब आपका क्या है, कुल संभावित परिणाम है। अब चाहे आपसे काली गेंद के बारे में पूछे चाहे लाल गेंद के बारे में पूछें, अब हमसे जैसे इसमें फर्स्ट नंबर पूछा है कि लाल हो, यानी लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछी है, तो लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम लिख लो पहले, लाल गेंद के अनुकूल परिणाम, अनुकूल यानी जो इसके पक्ष में, लाल गेंद के अनुकूल परिणाम, यानी उस थैले में लाल गेंदें कितनी हैं 3, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं आपके पास, कुल गेंदों के संभावित परिणाम, यानी जिनकी संभावना है, संभावित परिणाम कुल कितनी गेंदें आपके पास 8। तो अब आपको जो फॉर्मूले में चाहिए, जैसे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता होने की, फॉर्मूला आपका हो जाता है PE = अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अब आप यहाँ एक लाइन जरूर और एग्जाम में लिख देना कि अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, उसके बाद अगली लाइन में जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ वो लिखना, अनुकूल परिणाम कितने दे रखे बच्चों आपको 3, और कुल संभावित परिणाम कितने दे रखो आपको 8। तो ये हो गई क्या, लाल गेंद होने की प्रायिकता, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी में दूसरा पूछा है ना होने की प्रायिकता निकालो, तो अब यहाँ सिर्फ आपने एक लाइन लिखनी है कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, याद रखना ठीक है, प्रायिकता। अब होने की निकल गई, ना होने की निकालनी, आपको फॉर्मूला पता है वन माइनस पी ई बार, ये जो ऊपर एक डंडा देख रहे हो आप इसको बार बोलते हैं, तो एक में से हमें क्या घटाना है, पीई का मान घटा देना है, पीई बार का मान घटा देना है, कितना दे रखा है 3/8। जब भी ऐसे ही आपको दे रखो, यानी पहली संख्या के बट्टे में कुछ ना हो और दूसरी संख्या में बट्टे में कुछ भी दे रखो, तो उसका गुणा सीधा, यानी इसका गुणा आपने यहाँ करा देना हमेशा, अगर इसके बट्टे में कुछ नहीं तो आपने इसका गुणा यहाँ करा देना, तो 8 हो जाएगा 8 - 3, और पूरे के बट्टे में कितना आ जाएगा 8। जब 8 में से आप कितना माइनस करोगे 3, तो 8 में से 3 माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास 5, ठीक है, घटाना आप अच्छे से जानते हैं 5/8। तो यानी आप लिख सकते हैं पी ई बार नहीं आएगा, क्या आएगा पी ई आएगा, और इधर आएगा आपका क्या पी ई बार, और किसी बच्चे ने अभी तक कमेंट भी नहीं करी, बताओ इतने समझदार हो रहे हैं मेरे बच्चे। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ना होने की प्रायिकता को हम किससे दिखाते हैं पी ई बार,
और होने की प्रायिकता पीई। तो ये आपने पीई का मान निकाला कितना 3/8, ये आपने वर्ग दिया 1 - 3/8, सॉल्व करके कितना आ गया 5/8। तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता कितनी 5/8। अब आपको पता है कि ये 5 क्या है आपकी काली गेंद है, तो 5 में 8 में से 5 गेंद काली हैं और 3 गेंद कैसी है लाल, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8 और ना होने की प्रायिकता 5/8। तो ठीक है, यही था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कोई देखो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं थी, दिमाग भी ज़्यादा आपको इसमें चलाना नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छ निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है या हरा नहीं है। 3 क्वेश्चन पूछे हैं, लाल लाल के होने की पूछा है, सफ़ेद भी होने का पूछा है और हरे के बारे में बोला है कि ना होने का बताओ। तो सबसे पहले हम कंचे लिख लेते हैं, क्या क्या हमारे पास 3 प्रकार के कंचे हैं, लाल हैं, दूसरा क्या हमारे पास सफ़ेद हैं, लाल सफ़ेद और तीसरा है आपके पास हरा। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके पास कंचे हैं। तो लाल कंचे कितने आपके पास 5, सफ़ेद कितने आपके पास 8 और उसके बाद जो अगला है हरे कंचे कितने हैं 4। तो कुल कंचे कितने हो गए, अब यहाँ पे आगे कंचे भी लिख दो क्योंकि एग्जामिनर होते हैं मस्त एकदम। लाल कंचे 5, हरे कंचे 8 और सॉरी सफ़ेद कंचे 8 और हरे कंचे कितने आपके पास, इसको हरे कर लो, हरे से हरे कंचे बराबर कितने 4। तो कुल कंचे कितने हो गए आपके पास, कंचे देखो 8 * 4 = 12, 12 में जोड़ दो कितना 5, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 17। तो कुल कंचे कितने हो गए 17 और जो कुल कंचे हैं वही आपका क्या बनेगा कुल संभावित परिणाम बन जाएगा। कुल संभावित परिणाम मिल गया, अब जो पूछा है उसके अनुकूल परिणाम देख लो। तो यहाँ पे सीधा सबसे जो फर्स्ट नंबर है लाल कंचे, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखो लाल कंचे होने की प्रायिकता, लाल कंचे अंक की मात्रा यहाँ आएगी, मैं बार बार यहाँ पीछे लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बट हिंदी में करोगे दिक्कत हो जाएगी। लाल कंचे होने की प्रायिकता, बस आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइन जरूर आप लोग बढ़ा देना ये फॉर्मूले वाली, ठीक है, लाल कंचे होने की प्रायिकता के लिए फॉर्मूला लिख देना, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम, ये एक लाइन लिखने के बाद फिर ये वाली लाइन लिखना, ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँ क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, पीई होने की प्रायिकता निकालनी किससे दिखा, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं किसके लाल के कितने हैं 5, तो हो जाएगा अनुकूल परिणाम 5 और बट्टे कुल संभावित परिणाम, कुल कंचे कितने आपके पास 17, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए 5/17। तो ये हो गया पहला आपका कंप्लीट लाल कंचे होने की प्रायिकता, कैसे निकाला समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला जरूर लिखना आपने कि लाल कंचे होने की लाल कंचे होने के अनुकूल परिणाम बराबर 5 और लाल कंचे होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। सेकेंड नंबर में पूछा है सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आप रिपीट कर देना, सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता, यहाँ पे आ जाएगा आप सफ़ेद कंचे आपके पास कितने हैं, अनुकूल परिणाम 8 और कुल संभावित परिणाम कितने आपके पास 17, तो ये हो जाएगा कितना 8/17। सेकेंड कंप्लीट, थर्ड वाला भी देखना है। अब इसके निकालने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, अब देखो यहाँ टोटल आपके पास हरे कंचे कितने हैं 4, या तो हरे कंचे होने की प्रायिकता निकालो कितनी आ जाएगी 4/17, अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 और कुल संभावित परिणाम 17, तो 4/17। ये हो गया होने की, ना होने की निकालने, तो आप क्या करोगे 4/17 में से यानी होने की प्रायिकता क्या कर दोगे माइनस कर दोगे किस में से, एक में से। तो पहले तरीके एक तरीके से आंसर कर देते हो, उसके बाद दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ कि डायरेक्ट भी आप कैसे निकाल सकते हो। तो पहले हम लिख लेते हैं हरा कंचा होने की प्रायिकता, हरा कंचा होने की प्रायिकता, देखो ना होने की निकालने के लिए पहले आपको हरा होने की प्रायिकता पता होनी चाहिए, यानी होने की प्रायिकता पता होनी चाहिए, हरा कंचा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला आपका अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम, अनुकूल टांग टूट गई इसकी, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम, फॉर्मूला जरूर लिख लेना आप लोग क्योंकि बिना फॉर्मूले को कुछ नहीं है, परिमाण लिख दिया मैंने, लिखना क्या है परिणाम, ठीक है, फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, राशि होता है, ठीक है, परिमाण, अनुकूल परिणाम कितने दे रखें परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम किसके लिए हरे के लिए 4 दे रखें, तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं होने की प्रायिकता निकाले यानी पी ई का मान निकाल रहे हैं 4 और कुल संभावित परिणाम कितने
17, तो ला हरे कंचे होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 4/17। अब हमको ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ना होने की प्रायिकता, तो यहाँ लिख दो हरा कंचा ना होने की प्रायिकता। कैसे निकालते हैं पता है किसी को? एक माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो यानी होने की प्रायिकता माइनस कर देते हैं एक में से। माइनस करो 1 - 4/17। अब मैंने आपको बताया कि अगर किसी संख्या के बट्टे में कुछ ना हो और दूसरी तरफ आपके बट्टे में जो भी हो उसका गुणा डायरेक्ट हो जाएगा इस संख्या के साथ। देखो 17 का गुणा एक में हो जाएगा कितना, 17 * 1 = 17, माइनस का 4 पूरे के बट्टे में आ जाएगा 17। अब देख लो 17 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा, 17 में से कितना घटाना है 4, तो आप बता दो कितना आएगा 17 में से 4 घटा करके, 8 - 9 = 10 - 11 - 12 - 13, कितना बचेगा 13। यानी हरे कंचे ना होने की प्रायिकता आ गई 13/17। तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। लाल कंचे होने की प्रायिकता पूछी 5/17, सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता पूछी 8/17, और हरा कंचा ना होने की पूछी 13/17। तो आई होप बच्चों आपको होने और ना होने की प्रायिकता निकालनी अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, इसमें भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। इसमें क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक पिगी बैंक, पिगी बैंक यानी जो सुअर जैसा एक आपका बना हुआ होता है गुल्लक, ठीक है, जिसको ऊपर से सिक्का डालने के लिए जगह बनी होती है, तो उसको आप पिगी बैंक बोलते हैं। मैं 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 के 20 और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंकों को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम, ठीक है, परिणाम क्या है? संप्रायिक है। संप्रायिक यानी समान है, आपको मैं संप्रायिक समझा चुका हूँ। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, पहला नंबर। दो क्वेश्चन है इसमें कि 50 पैसे का होने का बताओ और 5 रुपए का नहीं होने का बताओ। नहीं होने का आपको पता है कि कैसे निकालोगे, पहले होने का, फिर उसके बाद एक में से माइनस कर दोगे होने की प्रायिकता। तो इसमें पहले हम लिख लेते हैं आपको किस प्रकार के सिक्के कितने दिए हुए। 50 पैसे के सिक्के बराबर 50 पैसे के सिक्के दिए हैं 100, इनकी संख्या दे रखी है 100। फिर दे रखा है आपको 1 रुपए के 50 सिक्के, ठीक है, रुपए 1 के सिक्के बराबर 50। एक बार मैं देख लूँ कंफर्म कि वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है नहीं हो रही, क्योंकि अभी 3-4 क्वेश्चन के साथ मेरे साथ हो चुका है ऐसा। तीसरा जो दे रखा है आपको वो दिया है 2 रुपए के 20 सिक्के, यानी 2 रुपए के कितने सिक्के, 2 रुपए के सिक्के बराबर 20। इसके अलावा और है 5 रुपए के 10 सिक्के, तो रुपए 5 के सिक्के बराबर 10। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कुल सिक्के कितने जोड़ सकते हो, जल्दी जल्दी बताओ कुल सिक्के बराबर कितने हो जाएंगे, जोड़ो फटाफट। 100, 150 और 150 में 20 जोड़ा कितना हो गया 170 और 10 180, यानी कुल संभावित परिणाम कितना आ गया आपका 180। अब जिस जिसके बारे में पूछा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले बोला है 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे का अनुकूल परिणाम देख लो कितने 100, तो कुल परिणाम कितने हैं आपके पास 180। तो सीधा सीधा फर्स्ट नंबर डाल के आंसर लिखते हैं, 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, का सिक्का होने की प्रायिकता। और इस चैप्टर में से बच्चों एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। प्रायिकता सीधा सीधा फॉर्मूला लिखो, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम देखो कितने दे रखे हैं, ये फॉर्मूला जरूर आप हर क्वेश्चन में बच्चों आपने फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूले के बिना आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तो अनुकूल परिणाम देखो 50 पैसे के सिक्के कितने दे रखे हैं 100, तो आ जाएगा 100 बटे कुल संभावित परिणाम कितने 180। 0 से 0 काट दिया, बचा आपके पास कितना 10/18, 10/18, 2 से भाग चला जाएगा, 2 * 5 = 10, 2 * 9 = 18, यानी जो फाइनल आंसर आपका निकल के आ रहा है कितना आ जाएगा 5/9। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और यहाँ पर भी जो आपका अगला वाला लास्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो। तो पहला वाला कंप्लीट हो गया, यानी 50 रुपये के सिक्के होने की प्रायिकता कितनी होगी 5/9। सेकेंड नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर में आपसे पूछा है 5 रुपये का नहीं होने का बताओ, 5 रुपये का नहीं होने का। तो आपको पता है नहीं होने से पहले आपको होने का पता होना चाहिए, तो पहले हम लिख लेते हैं रुपये 5 का सिक्का होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अब उससे जाके टकराएगा इससे, अच्छा नीचे लिख लो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा।
अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता। फॉर्मूला लिखा है आपका अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो 5 रुपये का सिक्का होने के अनुकूल परिणाम का आपके पास कितने हैं, 10 बटे कुल संभावित परिणाम 180। 0 से 0 कट, आपका आंसर कितना आ गया, 1/18। अब आपको निकालना क्या है, ना होने की निकालना है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक लाइन और, ₹5 का सिक्का ना होने की प्रायिकता, सिक्का ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता बराबर। अब पी क्या निकालना है, पीई बार निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर आप निकाल चुके हैं तो वह एक में से सीधे सीधे क्या कर दो, घटा दो। तो 1 माइनस पीई कितना आया, 1/18। अब 18 के गुणा 1 में कराओगे कितना आ जाएगा, 18 माइनस ऊपर कितना 1 और बटे में कितना 18। तो 18 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका पास, 17/18। यानी 5 रुपये के सिक्का ना होने की प्रायिकता बच्चों आपकी कितनी आएगी, 17/18। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और सबसे इजी क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का और पूरे चैप्टर का। इसमें कहा है, गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली या दृश्या उसे देने के लिए निकालती है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर हो, यानी हमें किसकी प्रायिकता बतानी है, जो मछली एक हमने निकाली या उस दुकानदार ने निकाली वो नर मछली हो। अब इसमें आपको अनुकूल परिणाम देखने हैं कि नर मछली कितनी है उसके अंदर और मादा मछली कितनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो मछली आपको दे रखी है। इसमें कहा है नर मछली बराबर 5, ठीक है। और दूसरी जो मछलियां हैं वो कैसी हैं, मादा मछलियां हैं। तो मादा मछलियों की संख्या दे रखी है, मादा मछली बराबर कितनी दी है, 8, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला तो आप स्टार्टिंग में देख चुके हो ना कि क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में हमसे पूछा गया हो। तो अब हमें नर मादा का पूछा गया तो वो अनुकूल परिणाम हो जाएगा। कुल संभावित परिणाम यानी हमें कुल कितनी चीज़ें दे रखी हैं। तो कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम बराबर देखो इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 में 2 जोड़ो 10, 10 में 3 जोड़ो 13। तो कुल परिणाम आपके पास कितने हो गए, 13। अब आपसे पूछा जो एक मछली निकाल रहे हैं हम उस बॉक्स में से, वो जो निकाली गई मछली है कैसी हो, नर हो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नर मछली होने की प्रायिकता। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख देना इसके सामने, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो होने की प्रायिकता हमें निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम देखो फॉर्मूला यहाँ आपको दिख रहा है, अनुकूल परिणाम कितना है आपका, अनुकूल परिणाम किसके लिए, नर मछली के लिए। तो नर मछली आपके पास कितनी है, 5, ये हो गया अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम आपने कितना देखा यहाँ पे, 13। आपको सिर्फ इसमें इतना करना था, इसकी प्रायिकता निकालनी थी कि जो पहली मछली निकलेगी उसके नर होने की प्रायिकता बतानी है। तो नर होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 5/13, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो कुछ समझने जैसा नहीं था, बहुत ही ईजी था इसका सॉल्यूशन। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जैसा पूछा है, पहले मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से क्या कहा है। इसमें कहा है संयोग यानी चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 15.5। तो ये आकृति आपको दे रखी है 15.5। इस आकृति को कहा है देखो, चलो भाई देख लो। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है। संप्रायिक मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, संप्रायिक यानी जिसकी समान प्रायिकता हो। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा। टोटल इसमें 4 हैं, 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो पहले देखेंगे हम फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब ये देख लो कि इसके अंदर पहले हम चित्र से समझ लेते हैं। इसमें देखो एक आपको ये तीर दिख रहा होगा, तो हमें इस तीर को घुमाना है, ठीक है। इस तीर को हम घुमाएंगे तो अब हमें नहीं पता है कहाँ पे रुकेगा। तो ये चांस का खेल है यानी किस्मत का खेल है, या ये बोल सकते हो तुक्का है कि आपको आपका ये जो तीर का निशान है वो कहाँ पर जाकर के रुकेगा। अब इसके अलग अलग प्राइस रखे होंगे, चाहे नंबर 4 पर रुकेगा तो 100 रुपये, नंबर 5 पर रुकेगा तो 200 रुपये, इस तरह का एक खेल है। तो अब हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, तो जो हमें जो अंक दे रखे हैं हम उनको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पहले हम लिख लेते हैं दिए हुए अंक। ये अंक ही तो दे रखे हैं 1 से लेकर 8 तक। तो यहाँ पे लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और यहाँ पे लिख लो कुल कितने अंक, कुल
अंक कितने, 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। गिनती तो 1 से लेकर के 8 तक लिख के फिर भी हमें अंक गिनने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो कुल अंक आपके कितने हो गए, 8, यानी ये हो गया आपके क्या, कुल संभावित परिणाम। यानी अब इनमें से किसी भी अंक के बारे में पूछेगा तो आपको पता है कुल कितने अंक हैं, 8 है। अब किसी भी अंक के बारे में पूछेगा तो आप इजिली इसका आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में जैसे कहा है 8 को करेगा, यानी ये जो तीर है 8 पर रुकेगा, तो 8 कितने इसमें, 1 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 होने के अनुकूल परिणाम, 8 होने या 8 को करने के अनुकूल परिणाम, 8 को करने के अनुकूल परिणाम। सबसे ज़्यादा जो इजी चैप्टर है बच्चों यही है प्रायिकता, यहाँ से परिणाम, परिणाम लिखना, मैं बार बार परिणाम परिमाण लिख दे रहा हूँ, परिणाम, ठीक है। 8 को करने के अनुकूल परिणाम कितने, आप 8 देख लो कितने आपके पास, 1 है। अनुकूल परिणाम हो गया कितना, 1, और कुल संभावित परिणाम आपको पहले ही पता चल गया कितने, 8। तो 8 को करने की प्रायिकता निकालनी है तो लिख लो 8 को करने की प्रायिकता, 8 को करने की प्रायिकता। फॉर्मूला एक बार यहाँ जरूर लिख लेना, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना, 1, और कुल संभावित परिणाम कितने, 8। तो ये हो गया आपके पहले नंबर का आंसर, यानी 8 को करने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/8। सेकेंड नंबर इसमें बच्चों आपसे पूछा है एक विषम संख्या को करेगा, ठीक है, एक विषम संख्या को करेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम, विषम संख्या होने के अनुकूल, अनुकूल यानी उसके पक्ष में, ठीक है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए विषम संख्या कौन कौन सी होती है। तो वह संख्या जिसका भाग 2 से नहीं जाता, किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनका भाग 2 से नहीं जाता विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे हो गया 1 3 5 7, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो 1,3,5,7। तो कुल विषम संख्या आपके पास कितनी हो गई, 4। अब विषम संख्या की क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या होने की प्रायिकता, फॉर्मूला एक बार जरूर आप यहाँ, आपने यहाँ पे रिपीट करना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो अनुकूल परिणाम कितने दे रखे हैं, 4। कुल संभावित परिणाम आपको पहले ही पता है कितने हैं, 8। इसको आप सॉल्व करके कितना लिख सकते हो, 1/2। ये निकल के आ गया आपका कौन सा, सेकेंड नंबर, ठीक है। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे, सेकेंड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में आपसे पूछा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या तो पहले लिख लेते हैं 2 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम, 2 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अब 2 से बड़ी संख्या देख लो कितनी है, देखो 2 से बड़ी, 2 को नहीं गिनेंगे हम, 2 से बड़ी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो पहले हम वो संख्या लिख लेते कौन कौन सी है, 3 4 5 6 7 8। कुल कितनी संख्या आपके पास है, 1 2 3 4 5 6। अनुकूल परिणाम मिल गया किसके, 2 से बड़ी संख्या के। तो प्रायिकता निकालनी तो यहाँ लिख लेते 2 से बड़ी संख्या क्या की बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, बड़ी संख्या होने की प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। फॉर्मूला फिर आपने यहाँ रिपीट करना, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा, अनुकूल परिणाम आपका कितना, 6, और कुल संभावित परिणाम कितना, 8। यहाँ से आ जाएगा कुल संभावित परिणाम और अनुकूल परिणाम यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है। ये 6 कैसा है आपको पता चल गया होगा, 2 से बड़ी संख्या पूछे तो टोटल कितनी, 6। तो इसको देखो ये भी कट जाएगा, 2 से 2 के पारे में आता है, 2 3 6, 2 4 8। तो इसको आप लिख सकते हो कितना, 3/4। अगर आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ के आते हो 6/8 तक, तो भी आपका आंसर क्या होगा, राइट होगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, जो तीसरा नंबर आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है। 3 पार्ट कंप्लीट, एक चौथा और इसमें पूछा है 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब 9 से छोटी संख्या होने के अनुकूल परिणाम देख लो, चौथा नंबर कर रहे हैं, तो 9 से छोटी संख्याओं, 9 से छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम, छोटी संख्या के अनुकूल
परिणाम। अनुकूल परिणाम अब तक आप लोग समझ गए होंगे ना कि अनुकूल परिणाम के किस चिड़िया का नाम है। अनुकूल यानी जो उसके पक्ष में। अब नौ से छोटी तो ये सारी की सारी है। अब आपको पता है कि नौ कोई भी आप ये तीर कहीं पे भी रुकेगा तो सारी नौ से छोटी संख्या है। तो यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी अपने आप एक हो जाएगी, यानी जिस घटना का घटित होना निश्चित है। अभी हमने पढ़ा था ना जिस घटना का घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता कितनी होती है एक होती है, और जिस घटना की जो घटना कभी घट नहीं सकती उसकी प्रायिकता कितनी होती है जीरो होती है। ये आपने ध्यान रखना है। तो अब सारी कैसी है नौ से छोटी है, तो यहाँ पे लिख लो नौ से छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पे नौ से छोटी कौन कौन सी, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तो गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 संख्या आ गई। तो यहाँ पे बराबर करके लिख लो 8। अब ये 8 क्या है, इन सबका मतलब कुल कितने अंक हैं, तो 8 अंक है। तो 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। फिर से यहाँ फॉर्मूला आप रिपीट करोगे कौन सा, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना निकला अभी आपका 8, और कुल संभावित परिणाम कितना निकाला था आपने स्टार्टिंग में 8। ठीक है, तो ये हो गया 8/8 बराबर सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1। तो ये आपका जो चौथा नंबर पूछा है आपसे बुक में, तो ये भी आका निकल करके आ गया। आगो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कोई भी आपको स्टेप जो समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो उसका जल्दी से सॉल्यूशन आपको और किसी अच्छे मेथड में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब इसमें टोटल 3 पार्ट है, पहला एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा आपको दे रखा है एक विषम संख्या। तो सबसे पहले हम पासा समझ लेते हैं। पासा क्या होता है, डाइस। पासे को इंग्लिश में बोलते हैं डाइस, और अगर मैं बोलूँगा लूडो का नाम, लूडो सभी ने खेली होगी, चाहे मोबाइल में खेली हो चाहे ऑफलाइन खेली हो। ठीक है, वो गत्ते का बना हुआ आता है लूडो, है ना, गत्ते का लूडो होता है जिसके ऊपर आप उस डाइस को क्या करते हो, फेंकते हो, जिसमें कितने अंक लिखे होते हैं 1 से लेकर के 6 तक अंक लिखे होते हैं। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक पासे में उपस्थित अंक। बचपन में सभी ने खेला होगा, बताओ कौन कौन से अंक होते हैं इसमें। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। ठीक लिखा मैंने। अब कोई बच्चे कहेंगे 7 और 8 तो होता नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, 7 और 8 नहीं होता है, सिर्फ कहाँ तक होता है, 6 तक होता है। तो अब यहाँ पे आप मेरे को ये बता सकते हो कि कुल संभावित परिणाम यानी एक पासे एक डाइस में कुल संभावित परिणाम कितने हो गए आपके, 6 लिख सकते हो आप। यहाँ पे हम लिखेंगे कुल संभावित परिणाम यानी रिजल्ट आपके पास कितने हैं टोटल 6। कौन कौन से आपको पता चल गया, क्योंकि पास में कुल 6 अंक है। अब जैसे जैसे इसमें पूछा है वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। पहला है एक अभाज्य संख्या, तो पहले हम अभाज्य संख्या के क्या लिख लेते हैं, अनुकूल परिणाम। एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा, किसके, जो अपने और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 13 है, ठीक है, 13 आप देखो 13 एक तो किससे विभाजित होगी, 1 से, और 1 हो जाएगी अपने 13 से, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आएगी जिससे ये क्या हो, विभाजित हो। अगर मैं वहीं बात करूँ किसकी, 12 की, तो 12 देखो 1 से होगा, 12 से होगा, इसके अलावा देखो ये 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से क्या हो, विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। और भाज्य संख्या किसमें कहेंगे, वह संख्या जो अपने और एक के अलावा किन्हीं अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए वो हमारी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। तो ये होगी आपकी भाज्य और ऊपर वाली होगी आपकी अभाज्य। ठीक है, तो अब आपको एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक से ये मत समझना कि हमें एक ही लिखना है, एक अभाज्य संख्या यानी कौन कौन सी आपकी अभाज्य संख्या हो सकती है। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2,
कैसे आप बोलोगे कि कहोगे आप तो दो तो क्या है सम संख्या, तो यह अभाज्य कैसे हो सकती है? देखोगे दो या तो वो एक से विभाजित होगी या दो से होगी, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पे दो हो गई, उसके बाद कौन सी हो गई, तीन हो गई और पाँच हो गई, इसके अलावा कोई संख्या है? देखो एक को बोलोगे तो एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, ठीक है, वो इनसे बाहर रहता है। सबसे दो हो गई, फिर तीन, तीन का देखो तीन का एक और तीन के अलावा कोई नहीं है, ऐसे ही पाँच का एक और पाँच के अलावा कोई नहीं है। बट आप देखोगे चार और छः को, चार और छः को, चार को देखो एक से जाएगा, चार से जाएगा और ये दो से भी जाएगा, तीसरी संख्या मिल गई। ऐसी छः को देखो एक से जाएगा, छः से जाएगा, दो से भी जाएगा, तीन से भी जाएगा, तो यहाँ पे भी दो संख्या मिल गई अन्य, है ना। तो जैसे अब आप लोग समझ गए होंगे भाज्य और अभाज्य संख्या है ना, और ये जो आपका बेसिक टॉपिक रहता है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन सा हो गया, दो तीन और पाँच, तो कुल कितने हो गए आपके पास, तीन, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तीन। प्रायिकता निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। फॉर्मूला याद है, तो यहाँ पे फॉर्मूला खुद लिखोगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना, तीन, किसका, अभाज्य संख्या होने का, और कुल संभावित परिणाम ऊपर हमने देख लिया था कितना, छः। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, एक बट्टे दो, ठीक है। अब सॉल्व करना तो आता ही, यानी भाग देना तो आप अच्छे से सीख ही चुके होंगे नर्सरी के जी से ही, इतने इतने होशियार बच्चे तो हैं मेरे। एक बट्टे दो आ गया, ठीक है, एक नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या पूछा है हमसे, दूसरा कहा है दो और छः के बीच में स्थित कोई संख्या, दो और छः के बीच स्थित कोई संख्या होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम, ठीक है। अब दो और छः के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो यहाँ देख लेते हैं। दो और छः के बीच में दो ये रहा, दो ये और छः ये, इनके बीच में कौन कौन सी संख्या है, तीन चार पाँच, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तीन कौमा चार कौमा पाँच। तो यहाँ पर भी कुल कितनी संख्या आ गई आपकी, तीन, ठीक है। तीन कहाँ से आया, देखो एक दो तीन, ठीक हो गया। अब प्रायिकता निकाल लेते हैं, दो और छः के बीच स्थित किसी संख्या की प्रायिकता, किसी संख्या की प्रायिकता। ये जो लाइन लिख रहा हूँ बच्चों, ये सारी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। फॉर्मूला आप लिखोगे यहाँ पे अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अनुकूल परिणाम कितने दे रखे हैं, तीन, और कुल संभावित परिणाम छः। तो इसको भी जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, एक बट्टे दो। तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कितनी जल्दी हो रही है भागने की। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। टोटल मैंने स्टार्टिंग में कहा था कितने पार्ट हैं आपके पास, तीन पार्ट हैं। तो अब देखते हैं लास्ट वाला, यानी नंबर थर्ड। इसमें पूछा है आपसे एक विषम संख्या, कैसी संख्या, एक विषम संख्या, तो लिख लो एक विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम, एक विषम संख्या, विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट। अब विषम संख्या किसे बोलते हैं, ऐसी संख्या है जिसका भाग दो से नहीं जाता है। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, पहली एक तीन और पाँच, एक तीन और पाँच, कुल कितनी संख्या है, तीन। अनुकूल परिणाम मिल गए, तो यहाँ प्रायिकता निकाल लेते हैं सीधे सीधे। तो लिखेंगे एक विषम संख्या, विषम संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। सूत्र कौन लिखेगा, मैं कि आप लिखोगे, मैं एक लाइन छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला आप लिखोगे खुद से। यहाँ पर लिख लेना अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम आपके कितने आ गए, तीन, और कुल संभावित परिणाम स्टार्टिंग में हमने देखा कितना, छः। तो इसको भी सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, एक बट्टे दो, कितना आ गया आंसर इसका भी, एक बट्टे दो। तीनों का आंसर कितना आया, एक बट्टे दो निकल के आया,
ठीक है, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को करने से पहले जिसे हम बोलते हैं जुआ, वो हमको आना चाहिए। जुआ मतलब ताश। जिन बच्चों को ताश खेलनी आती है, ताश के पत्तों के बारे में पता है, वो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो अब जैसा कि पहले इसमें बोल रखा है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फिटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम। अब हमको तो भैया ताश के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या नहीं पता? ताश के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ताश में कितने पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, बादशाह क्या होता है, बेगम क्या होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, आज ताश खेलना सीखेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को ताश के बारे में पता है वो वीडियो को 3-4 मिनट क्या कर देना, स्किप कर देना। ठीक है, और जिनको ताश के बारे में नहीं पता हो, और देखो ताश वाला ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ताश में पत्ते कितने होते हैं। ठीक है, ये इतना डिब्बा हम कर लेते हैं ताश के लिए खाली, है ना। और ये हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में इसका यूज़ करेंगे। अगर आपको ताश समझ में आ गई तो गारंटी आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, और ये 100% रहता है, ये हर साल ताश में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे पहले हम ताश के पत्तों की बात करते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो ताश खरीद लेना, प्रैक्टिकली भी देख लेना। टोटल कुल पत्ते होते हैं इसमें 52। कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते बराबर 52। इस चीज़ को आप अपने माइंड में सेट कर लो, यानी अगर कहीं पे भी ताश का पत्ता आ जाएगा तो उसके लिए क्या आ जाएगा, कुल संभावित परिणाम कितने आ जाएंगे? 52। अब मैं आपको यहाँ कलर बता देता हूँ, यानी रंग। ठीक है, रंग होते हैं आपके कितने? 4। 4 रंग कौन कौन से होते हैं? पहला ले लो एक लाल, लाल नहीं सॉरी, एक होता है आपका पान। ठीक है, पत्तों के प्रकार, यहाँ रंग नहीं, रंग आपके होते हैं टोटल 2। एक होता है लाल और एक होता है काला। ठीक है, 2 रंग होते हैं, लाल और काले। ठीक है, उसके बाद पत्तों के प्रकार, पत्तों के प्रकार शायद ही कोई इस तरह से बताएगा आपको, पत्तों के प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से? पान, ईंट, उसके बाद चिड़ी और उसके बाद हुकुम। ठीक है, ये पत्तों के प्रकार हैं। क्या है ये? पत्तों के प्रकार हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब एक इसमें प्रकार में टोटल कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते? 13 पत्ते। देखो 13 इसमें 13 इसमें 13 इसमें 13 इसमें 13 दूनी 26, 26 और गुणा कर दो 2 से कितने हो जाएंगे? 52। देखो 13 कम 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52। तो कुल पत्ते बन गए आपके कितने? 52। अब इस जो पत्ते होते हैं वो क्या रहते हैं? सारे इसमें सेम रहते हैं, यानी जो पत्ते इसमें होंगे वही पत्ते इसमें होंगे, वो इसमें होंगे, ये इसमें होंगे। अब इसमें देखो पान और ईंट के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं कैसे? लाल। मैंने यहाँ पे लिखा ना, रंग कितने होते हैं? 2, लाल और काला। तो ये दोनों कैसे? लाल। और ये जो चिड़ी और हुकुम है, ये दोनों पत्ते कैसे होंगे? काले। ठीक है, अब ये दोनों काला हो गए और ये दोनों कैसे हो गए? लाल। तो रंग कितने हो गए? 2। पत्तों के प्रकार कितने हो गए? 4। अब इनके बीच जो पत्ते रहते हैं वो सारे दिखने में एक जैसे होते हैं, बस रंग का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, जो पान का चिन्ह होता है, पान को हम जिससे दिखाते हैं उसको दिखाते हैं हम, ये हार्ड बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है पान का चिन्ह। पान के जितने भी पत्ते रहेंगे, यानी ये जो 13 पत्ते होंगे पान के, तो उसके अंदर ऐसा दिल बना हुआ होगा। उसके बाद जाते हैं ईंट में, ईंट में आपका इस तरह से डिजाइन बना होगा। ठीक है, ये वाला जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ये किसका है? ईंट का। आई होप बच्चों आपको इसको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ जाकर के, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है, प्यारा। बस थोड़ा ये जो दिल है पान वाला है वो थोड़ा सा आगे पीछे बन गया, तो उतना सा आप समझ लेना। उसके बाद आ जाता है चिड़ी। ठीक है, तो चिड़ी का जो डिज़ाइन होता है, चिड़ी का तो शायद मैं भी भूल गया, इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है लगभग चिड़ी। ठीक है, अब डिज़ाइनिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं, बस एक ये जो ड्राइंग है ये मेरी इतनी अच्छी कभी नहीं बन पाई। 3 पत्ते हो गए। उसके बाद जो चौथा पत्ता आता है, चौथा पत्ता होता है हुकुम का। ठीक है, और हुकुम का पत्ता जो होता है वो होता है आपका दिल बना होता है। ठीक है, उल्टा दिल बना दो और इसमें इस तरह से बना होता है।
ठीक है, लगभग थोड़ा इसी प्रकार का डिज़ाइन होता, तो ये आप समझ लेना ठीक है, क्योंकि ताश कभी मैंने ऐसे इतना खास करके खेली नहीं है। चिड़ी का पत्ता भी थोड़ा लगभग ऐसे ही दिखेगा, मैं अगर वैसे स्क्रीन में मैं आपको दिखा दूंगा चारों जब ये कलर कर रहे होंगे हम, ठीक है। तो आई होप इसके डिज़ाइन आप समझ गए होंगे। पान का पत्ता दिखने में ऐसा होगा, ईंट का ऐसा होगा, चिड़ी का इस टाइप का होगा और हुकुम का इस टाइप का होगा। चारों पत्तों के जो प्रतीक हैं, चिन्ह है, वो आप समझ गए। आपको ये पता चल गया लाल पत्ते कितने होते हैं, चार प्रकार के होते हैं टोटल पत्ते, तो उनमें से दो लाल होते हैं और दो कैसे होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं इन इसके अंदर कितने पत्ते होंगे, और मतलब कौन कौन से पत्ते होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका दो, फिर आता है तीन, फिर चार, फिर पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। कितने पत्ते हो गए, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 10 तक तो ये आ गया। उसके बाद जो अगला पत्ता रहेगा वो रहता है किसका, जे, यानी गुलाम। उसके बाद आ जाती है आपकी क्वीन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका किंग, और लास्ट में आता है इक्का, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा पत्ता रहता है वो कौन सा रहता है, इक्के का रहता है। अब देखो हमने कितने बोले, हर उसमें कितने रहेंगे आपके, 13 13 पत्ते रहेंगे। 13 यहाँ पर मिलेंगे आपको, 13 यहाँ मिलेंगे, 13 यहाँ और 13 यहाँ मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो 13 कम 13 26, 13 34 13 54 52। अब पत्ते गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब यही सेम पत्ते इस ईंट में भी रहेंगे, ठीक है, यानी इसके अंदर भी रहेंगे ये, और उसके बाद पान, और उसके बाद इसमें भी रहेंगे, और उसके बाद इसमें भी रहेंगे। देखो 1 2, और ये आ गया हुक्म के बाद ये, ठीक है। यानी ये 13 पत्ते ईंट में भी रहेंगे, चिड़ी में भी रहेंगे और हुक्म में भी रहेंगे। आई होप बच्चों समझ गए होंगे टोटल 13 पत्ते कौन कौन से। अब इसके बाद क्वेश्चन जैसे बनेगा कि तस्वीर वाले पत्ते, देखो ये 2 से लेकर के 10 तक इनमें तस्वीर नहीं होती। ये जो चारों आप पत्ते देख रहे हो, ठीक है, कौन कौन सा, इसको बोलेंगे आप गुलाम। इधर साइड में लिख देता हूँ, गुलाम। उसके बाद ये होती है आपकी बेगम, क्वीन। उसके बाद ये हो जाएगा आपका के किंग, यानी राजा, राजा या सॉरी बादशाह, ठीक है, बादशाह इसको बोलते हैं। और इसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं आप इक्का, ठीक है। अब ये चारों कैसे पत्ते हैं, तस्वीर वाले पत्ते हैं। यहाँ पे आप लिख लो कैसे पत्ते हैं, ये तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। अगर आपको ये समझ में आ गया तो 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। टोटल अब मैं आपसे बोलूँ कि तस्वीर वाले पत्ते, ताकुल पत्ते हैं 52, तो तस्वीर वाले पत्ते आपके पास कितने होंगे बताओ। तो अब बच्चे बोलेंगे 4। 4 क्यों होंगे, अब देख लो ये सारे पत्ते यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे है। जब 4 तस्वीर वाले पत्ते यहाँ हैं तो यहाँ पर भी 4 होंगे, यहाँ पर भी 4 होंगे और यहाँ पर भी 4 होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे। देखो 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 8, फिर 4 यहाँ पे 12 और 4 यहाँ पे हो जाएंगे 16। तो कुल तस्वीर वाले पत्ते बच्चों कितने हो जाएंगे, 16। अगर मैं बोलूँ लाल रंग का, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, कैसे पत्ते, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। अब आपको पता है कि लाल रंग में ये पान भी होता है, ईंट भी होता है, यानी 13 13 26 पत्ते आपके टोटल कितने होते हैं, लाल होते हैं। तो तस्वीर लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते तो 4 इसमें होंगे पान में, और 4 किस में होंगे, इस ईंट में भी होंगे। तो टोटल तस्वीर वाले लाल रंग के पत्ते कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। अब इक्का होने की, यानी चिड़ी का इक्का, चिड़ी ये रही, चिड़ी का इक्का, यानी अब इसमें भी ये 13 पत्ते हैं ना, तो मैं बोलूँगा चिड़ी का इक्का होने की प्रायिकता बताओ। अब चिड़ी के कितने पत्ते टोटल, 13। अब इस चिड़ी में कितने इक्के होंगे बच्चों, 1 होंगे। सिर्फ चिड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, चिड़ी में कितने इक्के हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, कौन सा, ये वाला। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो अनुकूल परिणाम 1 किसका, चिड़ी का इक्के होने की, और कुल संभावित परिणाम 52, तो 1/52 हो जाएगी किसके, चिड़ी का इक्का होने की प्रायिकता। आई होप बच्चों इसको आप बेसिक, इसका जो बेसिक है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में जो फर्स्ट नंबर का है वो आपसे पूछा है कि एक, अब इसमें कहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल रंग का बादशाह हो। अब देखो लाल रंग का बादशाह, तो पहले हम लिख लेते हैं कुल पत्ते, ठीक है, लिख लेते हैं कुल पत्ते। आपको क्वेश्चन में भी कहा है कितने, 52 है, तो कुल पत्ते बराबर 52, यानी कुल संभावित परिणाम हो गया आपके कितने, 52। अब इसमें फर्स्ट नंबर पूछा लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम
तो लाल रंग के बादशाह अब यहाँ आ जाते हैं हम दूसरी साइड, ठीक है। दूसरी साइड में हम देखते हैं लाल रंग के बादशाह आपके पास कितने हैं, तो लाल रंग के बादशाह बताओ कितने हो जाएंगे आपके पास। अब आपको पता है कि ये पान और ईंट 13 पत्ते इसमें हैं, 13 पत्ते इसमें भी हैं, यानी 26 पत्ते टोटल कैसे हैं, लाल रंग वाले हैं। तो लाल रंग के 26 पत्तों में लाल रंग का बादशाह कितने होंगे, देखो एक बादशाह आपका किसका होगा, पान का होगा, और एक बादशाह आपका किसका होगा, ईंट का होगा। तो टोटल कितने लाल रंग के बादशाह हो जाएंगे आपके पास, दो, ठीक है। ये हो गया अनुकूल परिणाम। तो लाल रंग की प्रायिकता निकाल लेते हैं हम, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, प्रायिकता फॉर्मूला कौन लिखेगा, सूत्र कौन लिखेगा, आप लिखोगे। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना, दो, कुल संभावित परिणाम कितना, 52। जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1/26। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉरी 14 का फर्स्ट नंबर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सेकेंड नंबर देख लेता अब इसी का। सेकेंड नंबर में आपसे पूछा है एक फेस कार्ड, क्या पूछा है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता मैं आपको समझा चुका हूँ, तो यहाँ लिख लेते हैं तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। तस्वीर, अब कलर की यहाँ बात नहीं की, ये नहीं बोला है काला या लाल या चिड़िया हुकुम, बोला है तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। अब ये बताओ तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे। अब आपको पता है कि एक प्रकार के कार्ड में, एक प्रकार के पत्तों में टोटल 4 पत्ते होते हैं आपके, कैसे, तस्वीर वाले, कौन कौन से, गुलाम, बेगम, बादशाह, नहीं 4 नहीं 3 होते हैं, ठीक है। इस इक्के में क्या होते हैं, ये इक्का, इसमें तस्वीर नहीं बनी होती है। टोटल कितने पत्ते होते हैं आपके तस्वीर वाले, 3, कौन कौन से, एक गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह, ठीक है। तो 3 पत्ते होगा आपके किसमें, एक प्रकार में। अब टोटल आपके पास कितने प्रकार के पत्ते हैं, 4, तो 4 की गुणा करा दो 3 से, कितने हो जाएंगे टोटल, 4 3 12, ठीक है। 12 पत्ते कैसे हैं, तस्वीर वाले पत्ते हैं, ठीक हो गया। ये इक्के में सिर्फ आपका ए लिखा होता है और इन तीनों में आपकी तस्वीर बनी हुई होती है, ठीक हो गया। तो ये हो गया गुलाम, बेगम, बादशाह, कैसे, तस्वीर वाले पत्ते, 3 इसमें हैं, 3 इसमें होंगे ईंट में, 3 चिड़ी में और 3 हुकुम में। टोटल कितने पत्ते हो गए, 12। तो अब यहाँ लिख लेते हैं तस्वीर वाला पत्ता होने के लिए प्रायिकता, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, फॉर्मूला आप लिखोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना, 12, कुल संभावित परिणाम कितने, 52। तो 12/52 सॉल्व कर लो इसको, देखो 2 से भाग दे दो, पहले 2 * 12 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 26, फिर 2 से भाग दे दो, 2 * 6 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 13। तो आंसर कितना आ गया, 3/13। ये हो गया आपका किसका, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, ठीक है। आई होप बच्चों इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड को, मतलब 14 के सेकंड नंबर को भी आप समझ गए होंगे। अब इसमें जो थर्ड नंबर में पूछा है, इसी में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, कैसा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब पहले सिर्फ बोला था तस्वीर वाला, अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन भी रख दिया है, ऑप्शन क्या रख दिया, बोल दिया है कि लाल रंग का होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणाम, लाल रंग का तस्वीर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। अब मेरे को जल्दी से बताओ कि लाल रंग के कितने पत्ते हो जाएंगे टोटल। देखो लाल रंग के 2 प्रकार के कार्ड होते हैं, एक पान और एक ईंट, ठीक है। अब तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, 3। अब 3 किसमें होंगे, पान में होंगे, और 3 किसमें होंगे, इस ईंट वाले पत्तों में होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 6। अनुकूल परिणाम मिल गया, कुल संभावित परिणाम आपको पता है कितना, 52। तो यहाँ पे लिख लो प्रायिकता, लाल रंग का तस्वीर वाला, पत्ता होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। फिर से एक चीज़ बोलूँगा वही कि सूत्र कौन लिखेगा, आप, क्या होता है, माइंड में सोच करके लिखना, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने आपको दे रखे हैं यहाँ पे अभी, 6 बटे कुल संभावित परिणाम, 52। 6/52, अब यहाँ पे देखो 6/52 को जब आपने कट किया था कितना आया था आपका, 3/13। कॉल कर लेते हैं सॉल्व, देखो 2 * 3 3/13 नहीं, कितना आएगा, 26, 2 * 6 सॉरी 2 * 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 * 2
चार, एक बचेगा दो छंग 12, 3/26, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने बताओ, कितना निकल के आया, 3/26। एक बार मैं इसका आंसर कंफर्म कर लूँ, 3/26, थर्ड नंबर, ठीक है। अब ये हो गया थर्ड नंबर कंप्लीट, अब देखते हैं फोर्थ नंबर। टोटल इसमें आपके पार्ट हैं 6। जैसे इसमें फोर्थ नंबर पूछा है पान का गुलाम, अब आपको पता है चार प्रकार के पत्ते हैं, तो पान पान के टोटल कितने पत्ते हैं आपके पास, 13। अब इसमें देख लो गुलाम कौन सा है, गुलाम ये लिखा जे, ठीक है। तो कुल गुलाम कितने हैं आपके पास पान के, यहाँ देखो पान के 13 पत्ते और पान के पत्तों में गुलाम कितने, एक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पान का गुलाम होने के क्या अनुकूल परिणाम कितने, एक। एक भाई अच्छे से बन जा, एक। अब निकाल लेते हैं प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे पान का गुलाम होने की प्रायिकता। अब यहाँ बराबर क्या है कि कौन लिखेगा, मैं या आप, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना, एक, और कुल संभावित परिणाम कितने, 52। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों आपका, 1/52। ये हो गया आपका कौन सा, फोर्थ नंबर भी कंप्लीट, ठीक है। आई होप बच्चों ऊपर का आपने समझ लिया होगा, ऊपर का कर देता हूँ साफ, और उसके बाद लिखता हूँ बाकी के। इसमें दो पार्ट बचे हैं, वो इसके साइड में देख लेते हैं। अब इसमें जैसे बचा है हुकुम का पत्ता, तो ऊपर के मैं हटा देता हूँ स्टार्टिंग के, ठीक है। आप ये लोग नोट कर लेना, या इस वीडियो को आप बैक करके दोबारा देख सकते हो जहाँ आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देख लियोगे। अब देखते हैं इसका फिफ्थ नंबर, ठीक है। चार हो गए, पाँचवा नंबर देखते हैं। पाँचवें नंबर में आपसे कहा है हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते कितने आपके पास, देखो हुकुम के पत्ते कितने आएंगे आपके पास, 13। 13 हुकुम के हैं, 13 चिड़ी के, 13 ईंट के, 13 पान के। तो हुकुम के पत्ता होने के अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, 13। तो यहाँ लिख लेते हैं हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम, कुल कितने पत्ते हैं हुकुम के, 13। प्रायिकता निकालनी है तो यहाँ लिख लेंगे हम हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, फॉर्मूला आप लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने आपके पास, 13। कुल संभावित परिणाम कितने, 52, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो, 13 से 52 का भाग चलेगा, 13 कम 13, 13 दून 26, 43, 13 चौको 52, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1/4। हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता आपकी कितनी निकल के आ गई, 1/4, ठीक है। लास्ट बचा है कौन सा, छठा नंबर। प्रायिकता अब आपको अच्छे से समझ में आने लग गई होगी। एक ईंट की बेगम, ईंट में कितने पत्ते, 13। तो ईंट के 13 पत्तों में बेगम कितनी होगी, एक ही होगी। तो बेगम होने के अनुकूल परिणाम कितना, एक। कैसी बेगम, ईंट की। अगर खाली बोला होता बेगम होने की प्रायिकता बताओ, तो बेगम होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाते हैं, 4। अब यहाँ बोल दिया ईंट, तो यहाँ लिखेंगे ईंट की बेगम होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। अब ईंट की बेगम कितनी, एक, और ईंट की बेगम की अब प्रायिकता निकालनी है, तो सीधा सीधा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता, फॉर्मूला आप लिखोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अनुकूल परिणाम कितना, एक, कुल संभावित परिणाम कितना, 52। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। टोटल 6 इसमें निकालने थे, 6 के 6 आपने देख लिए। आई होप ये 6 के 6 आप अच्छे से समझ गए होंगे, किसी भी पार्ट में आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रह गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया कंप्लीट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम टू सेम है जो अभी हमने किया है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। अब यहाँ पर आपको कार्ड की संख्या यानी पत्तों की संख्या घटा करके बोल दिया है कितने हैं, पढ़ता हूँ क्वेश्चन। इसमें कहा है ताश के 5 पत्तों, ठीक है, दिया है पत्ते बराबर। 5 पत्ते कौन कौन से वो मैं लिख देता हूं। पहला है ईंट का दहला,
ईंट का दहला, यानी ईंट का दहले की बात करें तो देखो सबसे पहले पान फिर ईंट, ईंट में दहले कितने होंगे, देखो दहले एक होगा, पान में जब 10 है तो यहाँ पर ये 10 सभी में होगा, ठीक है। ये पत्ता, सेम पत्ते आपको सभी में देखने को मिलेंगे, तो ईंट का कितना है 10 है, सॉरी पान का कितना है 10, एक है, ऐसे ही ईंट में एक होगा, चिड़ी में एक होगा, हुकुम में एक होगा, तो एक आपको दे दे ईंट का दहला। दूसरा आपको दे रखा है गुलाम, दूसरा आपको क्या दे रखा है गुलाम, अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कौन सा गुलाम, ठीक है, सिर्फ बोला है गुलाम। तीसरा दे रखा है आपको बेगम, तीसरा आपको जो पत्ता दे रखा है एक बेगम दे रखी है, चौथा दे रखा है आपको बादशाह, चौथा क्या दे रखा है बादशाह, और एक आपको दे रखा है इक्का, ठीक है। ये आपको पांच पत्ते दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप ये क्या बता सकते हैं कि कुल आपके पास कितने पत्ते हैं इस समय, पांच पत्ते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कुल पत्ते, कुल पत्ते बराबर कितने, पांच, यानी आपके जो कुल संभावित परिणाम निकल के आएंगे वो कितने हैं, पांच है। अब क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो देखते हैं, इसमें बोला है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, क्या बोला है, जो हमने पहला पत्ता निकाला वो बेगम पत्ता निकलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अब आपने हाथ डाला ताश के पत्तों को उठाया, तो पहला पत्ता देखा आपने क्या है बेगम है या नहीं है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, प्रायिकता बोली है, तो अनुकूल परिणाम देख लो बेगम के कितने हैं, लिखेंगे एक बेगम होने के अनुकूल परिणाम, एक बेगम होने के अनुकूल परिणाम, अभी बेगम कितनी आपके पास एक है, ठीक है, तो बेगम होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, बेगम होने की प्रायिकता फॉर्मूला आप लिखोगे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू प्रायिकता का फॉर्मूला, वहां आप देखोगे क्या है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, यहाँ आप लिख लोगे, तो अनुकूल परिणाम कितना है एक और कुल संभावित परिणाम आपके पास कितने हैं पांच, तो पहले वाला कितना हो गया, यानी आपकी बेगम होने की प्रायिकता कितनी हो गई 1/5। सेकेंड नंबर में आपसे जो कहा है वो जरा ध्यान से सुनना, यदि बेगम निकल आती है, मान लिया मैंने पहला पत्ता उठाया बेगम निकल आई, ठीक है, उसे अलग रख दिया, अब ये बेगम निकली मैंने उसको उठा करके अलग रख दिया, अब यहाँ ये लोग कह रहे हैं अगर बेगम निकल आई, तो हमने मान लिया कि बेगम निकल आई है तो उसको उठा के अलग रख दिया और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, अब जब हमने इन पांच पत्तों में से बेगम को निकाल दिया, ठीक है, तो पहले हम यहाँ से बेगम को निकाल देते हैं, बेगम निकल जाने के बाद शेष पत्ते, अब शेष पत्ते आपके पास क्या क्या रह जाएंगे, ईंट का दहला बचा, ईंट का दहला एक बचा, आपके पास क्या गुलाम, फिर आपके पास क्या बचा बादशाह, और फिर आपके पास क्या बचा इक्का। अब ये बताओ आपके पास कुल कितने पत्ते बचे, अब आप इजीली बोल सकते हैं कितने, चार, तो कुल पत्ते बराबर चार, अब यहाँ पे आपके पास कुल संभावित परिणाम कितने हो गए चार। अब इसमें आगे क्या पूछा है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, दूसरा जो निकाला गया पत्ता क्या है इक्का है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्का होने के अनुकूल परिणाम, इक्का होने के अनुकूल परिणाम। अब इक्का होने के अनुकूल परिणाम देखो इक्के कितने हैं इसमें एक है, तो ये हो गया अनुकूल परिणाम, तो प्रायिकता निकालनी है तो यहाँ लिख लो, अब इसमें भी आपको दे रखा है सेकंड में भी ए और बी करके दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, तो इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इक्का होने की प्रायिकता, फिर मैं बोलूँगा क्या सूत्र कौन लिखेगा आप, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैं लिख देता हूँ, अनुकूल परिणाम कितना दे रखा है एक, कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे आपके पास चार, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा कितना आ गया 1/4, ठीक है। अब इसमें फिर बोला है आगे, एक तो ये हो गया कि अगर क्या है निकाला गया पत्ता क्या है इक्का होने की प्रायिकता, फिर बोला है कि क्या हो एक बेगम हो, ठीक है, मान लिया कि इक्का नहीं निकला तो बेगम होने की प्रायिकता बताओ, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेगम वाला, ठीक है, बी नंबर किसका, ये दूसरे का ए और ये दूसरे का बी, तो अब हम लिख लेते हैं बेगम होने के अनुकूल परिणाम, बेगम होने के, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यार इसमें कहीं बेगम तो दिख ही नहीं रहा क्योंकि चार पत्ते बचे थे, बेगम तो पहले निकाल चुके हैं,
तो इसका प्रायिकता कहाँ से निकालेंगे, बेगम होने के अनुकूल परिणाम। फिर भी आप इसमें पूरा लिखोगे। अब अनुकूल परिणाम यहाँ कहीं आपको बेगम दिख रही है, बेगम तो हम पहले निकाल के उसको साइड में रख चुके हैं, तो एट एट का दहला गुलाम बादशाह एक का तो बेगम है नहीं, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, जीरो। प्रायिकता निकालनी है तो यहाँ पे लिख लो बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता। फिर बोलूँगा फॉर्मूला आप लिखो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास, जीरो। कुल संभावित परिणाम आपके पास कितने हैं, चार। तो जब जीरो बटे चार करोगे कितना आ जाएगा, जीरो। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर आपका, बेगम जब है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो। जब है ही नहीं तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, जादू करके थोड़ी निकाल देंगे। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी स्टेप आपको किसी भी क्वेश्चन में समझ में ना आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ देता हूँ, क्या कहा है इसमें, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल यह देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या निकालना है, अच्छा होने की प्रायिकता, किसके पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। अब हमको दो तरह के पेन दे रखे, एक तो हमें दे रखा है कि खराब पेन, ठीक है, और दूसरे दे रखे हैं कि अच्छे पेन। पहले लिख लेते हैं खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या, जो चीज़ हमको दे रखी है क्वेश्चन में हम सबसे पहले वही लिखेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। खराब पेनों की संख्या कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, जैसा कहा है 12, और फिर बोला है आपके पास कितने अच्छे पेन है, 132। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या कितनी, 132। क्या मुझे बता सकते हैं कि आपके पास कुल कितने पेन हैं, बिल्कुल बता सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुल पेन, क्या करेंगे अच्छे और ख़राब पेन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, दो और दो चार, एक और तीन हो जाएगा चार, और आपका आ जाएगा कितना, 144। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, 144, ये आपके निकल के आ गया कुल संभावित परिणाम। अब जैसा इसमें आपसे क्वेश्चन में कहा है कि जो ये पेन निकला है, जो हम एक पेन निकालेंगे उसके अच्छे होने की प्रायिकता निकालनी है, तो अच्छे होने का अनुकूल परिणाम कितने आपके पास बच्चों, 132। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम, अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम। फॉर्मूला, सॉरी इसमें फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, सिर्फ हमने क्या लिखना है, अच्छे पेनों की संख्या। तो आपके पास अच्छे पेन कितने, 132, और कुल पेन कितने आपके पास, 144। तो सीधे सीधे हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, प्रायिकता। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता। फॉर्मूला फिर आप यहाँ लिखोगे क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। मैं यहाँ पे सीधे सीधे इसका आंसर लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास, 132, किसके पेन के अच्छा होने के, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 144। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, देखो दो का भाग ऊपर भी चले जाएगा नीचे भी चले जाएगा, तो हम भाग देते हैं दो छंग 12, दो छंग 12, फिर 2 7 14, 2 2 4, फिर देखो 2 से चले जाएगा 2 3 6, फिर 2 3 6, 2 3 6 और 2 6 12, फिर देखो किससे जाएगा 3 से 3 1 3, 3 1 3, फिर देखो 3 1 3, 3 2 6, यानी जो आपका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, 11/12। यानी जो अच्छे और ख़राब पेन मिक्स हो गए थे तो उसमें से एक अच्छा पेन आने की प्रायिकता बच्चों कितनी निकल के आ गई आपकी, 11/12। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 16। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें टोटल बच्चों आपको दो पार्ट में आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, टोटल दो पार्ट करने, आपको पहला नंबर दे रखा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब या दृष्टा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट नंबर को कर लेते हैं, फिर सेकंड नंबर को देखते हैं। इसमें टोटल आपको दे रखे 20 बल्ब, यानी बल्बों की संख्या दे रखी है आपको। मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दी है वो आपने नोट कर लेनी है। तो बल्बों की संख्या बराबर 20, ठीक है, और कर रहे हैं आप कौन सा क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट नंबर, बल्बों की संख्या कुल 20। फिर आगे का है इसमें 4 बल्ब खराब हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं खराब बल्ब बराबर, खराब बल्ब बराबर 4। अब यहाँ पे ये निकाला अच्छे बल्ब कितने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अच्छे बल्ब निकाल लेते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि आपके पास कुल कितने अच्छे बल्ब हैं, अगर 20 में से आपके पास टोटल कितने 4 बल्ब खराब हैं, ठीक है, जो जल नहीं रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि आपके पास अच्छे बल्ब कितने हैं, 16। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर में पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा,
खराब होने की प्रायिकता निकालनी है तो यहाँ पे लिख लेते हैं खराब बल्ब होने के अनुकूल परिणाम, खराब बल्ब होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। कितने हैं खराब बल्ब आपके पास? चार। और फिर प्रायिकता निकालनी है इसी की, तो लिख लेते हैं खराब बल्ब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। फॉर्मूला कौन लिखेगा बच्चों? मैं कि आप लिखोगे यहाँ पे कौन सा? ये वाला, किसी घटना घटित होने की प्रायिकता। यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ पी ई इक्वल टू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना आपके पास? चार। और कुल संभावित परिणाम यानी बल्ब आपके पास कितने हैं? कुल 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? 1/5, जो आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया फर्स्ट इसका 17 के फर्स्ट का, कि खराब बल्ब होने की प्रायिकता बतानी है आपको, ठीक है। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता कितनी निकल के आ गई आपकी? 1/5। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर में आपसे कहा है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि यदि जो फर्स्ट नंबर में हमने एक बल्ब निकाला ना, वो क्या है? ख़राब नहीं है। तो ख़राब नहीं है तो क्या होगा? वो अच्छा है। तो लिख लेते हैं, यदि फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ख़राब नहीं है का मतलब क्या है? अच्छा है वो, अर्थात बल्ब अच्छा है। फिर आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा है। अगर खराब बल्ब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिला दिया, यानी एक जो बल्ब निकला उसको हमने निकाला और देखा वो खराब नहीं है, अच्छा है, तो हमने क्या कर दिया? उसको एक साइड में रख दिया। फिर आगे कहा है, अब जो शेष बल्ब बचे आपके पास, अब शेष बल्ब कितने बचे आपके पास? यहाँ पे लिख लेते हैं शेष बल्ब अच्छा है, तो उसे क्या कर दे रहे हैं? हम अलग रख दे रहे हैं, तो उसे अलग रख दिया जाता है। ये क्वेश्चन में कहा इन्होंने कि यदि एक नंबर में निकाला गया बल्ब क्या है? ख़राब नहीं है, तो बल्ब क्या होगा? वो अच्छा होगा। तो अगर अच्छा है तो उसे क्या कर दे रहे हैं? हम अलग रख दे रहे हैं। तो शेष बल्ब आपके पास कितने बचे? पहले थे आपके पास 20, 20 में से एक बल्ब आपने निकाल दिया, तो आपके पास बचे कितने? 19। तो जो आपने बल्ब निकाला है वो कैसा है? अच्छा है कि ख़राब? अच्छा बल्ब है, क्वेश्चन में कहा है। अब अच्छे बल्ब आपके पास कितने हैं टोटल? 16। अब 16 में से एक बल्ब आपने निकाल दिया, यानी एक अच्छा बल्ब आपने निकाल के क्या कर दिया? साइड कर दिया, तो आपके पास अच्छे बल्ब कितने बचे? 15। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो कि अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता, अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता। फॉर्मूला फिर आप यहाँ लिखोगे अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल यानी जो उस चीज़ के पक्ष, जो उस चीज़ के पक्ष में है, ठीक है। जैसे अच्छे बल्ब की बात हो रही, तो आपके पास अच्छे बल्ब कितने हैं? 15। और कुल संभावित परिणाम यानी वो चीज़ें आपके पास टोटल हैं कितनी? 15 आपके पास अच्छे बल्ब हैं, टोटल आपके पास बल्ब कितने हैं? 19। तो सीधा सीधा आंसर निकल के आ गया, किसी घटना के घटित नहीं, यानी अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता कितनी निकल के आई शेष बल्बों में से? 15/19। तो देखो, इसमें कुछ करना नहीं था, पहले नंबर में बताना था खराब बल्ब होने की प्रायिकता, तो आपकी 1/5। और उसके बाद अगर वो खराब बल्ब नहीं है, अच्छा बल्ब है, तो उसके बाद आपने क्या निकाला? अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता। अब अच्छे बल्ब, एक जो बल्ब आपने निकाला वो क्या है? अच्छा बल्ब था, उसको आपने निकाल के साइड कर दिया, तो आपके पास कुल बल्ब कितने बचे? 20 में से एक गया 19। ऐसे ही अच्छा बल्ब था, तो अच्छा बल्ब एक निकल गया, 16 में से एक गया, कितने बचे आपके पास? 15। तो अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता आपकी कितनी निकल के आ गई? 15/19। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें कहा है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर एक से लेकर के 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी? पहला है 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा है 1 पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा है 5 से विभाज्य संख्या। अब बोला है एक से लेकर के 90 तक क्या है आपके पास? संख्याएं लिखी हुई, तो हम लिख लेते हैं कुल संख्याएं बराबर, कुल संख्याएं बराबर। देखो क्या बोला है, एक से लेकर के 90 तक, तो 1, 2, 3, 4 डैश 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 करके क्या कर देते हैं हम? 90। तो आप बता सकते हो कुल संख्या आपके पास कितनी आ जाएंगी? आपके पास 90। एक से लेकर के सीधा सीधा 90 तक गिनती है, तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि आपके पास कुल संख्या कितनी है? 90 है। अब इसमें जो आपसे फर्स्ट नंबर पूछा है, बोला 2 अंकों की एक संख्या, यहाँ पे आप लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर, 2 अंकों की एक संख्या।
अब दो अंकों की संख्या का मतलब क्या हुआ, जिसमें दो अंकों, देखो जीरो से लेकर के आपके 9 तक क्या होते हैं, अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बट आपके जो संख्या लिखी है कहाँ से है, 1 से लेकर के 90 तक है, तो 0 नहीं आएगा। अब ये देखो आपके अंक होते हैं, यानी जिसमें क्या हो आपका टोटल एक अंक हो। अब दो अंकों की एक संख्या, यानी देखो अब 10 है, 11 है, ऐसे 10-10 कहाँ तक, 90 तक। अब इसमें देखो दो अंक आ रहे हैं, एक आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 1-1 है, फिर 9, 0, इस तरह से। यानी 10 के बाद जितनी आपकी संख्याएं हैं उसमें कितने अंक होते हैं, दो अंक होते हैं। तो यही चीज़ हमने कहाँ लिखनी है, यहाँ पर, दो अंकों की एक संख्या के अनुकूल परिणाम, के अनुकूल परिणाम। तो दो अंकों की एक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों, 10 से, 11, 10-10 कहाँ तक जाएगी आपके पास, 90 तक जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि आपके पास कुल कितनी संख्या निकल के आ जाएंगी। आप क्या करोगे, टोटल 90 में से माइनस कर दोगे कितने, 9, तो आपके पास कितना बचेगा, 81। अब 9 माइनस, क्योंकि अभी मैंने लिखा था ना 1 से लेकर के 9 तक, तो 1 से लेकर के 9 तक गिनती गिनेंगे तो आपके कितने अंक निकल जाएंगे, 9, है ना। तो 9 जो 1 से लेकर के 9 तक है वो आपके कैसे हैं, एक अंक की संख्या है ना, एक अंक की है। तो 90 में से हमने 9 माइनस कर दिया, आपके पास दो अंकों वाली कितनी संख्या बची, 81। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, अनुकूल परिणाम। तो अब यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है, तो लिख लेते हैं दो अंकों की संख्या होने की प्रायिकता, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता फॉर्मूला फिर आप यहीं लिखोगे क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अनुकूल परिणाम में आपके कितने निकले अभी, 81। कुल संभावित परिणाम कितने आपके पास, 90। इसको आप सॉल्व करोगे, देखो 9 का पहाड़ 81 में भी जाएगा, 90 में भी जाएगा, 9 9 81, 9 2 90, यानी 9/10। यानी आप कह सकते हो कि दो अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता आपकी कितनी निकल के आएगी, 9/10। ये हो गया इसका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। सेकंड नंबर में कहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या होने के अनुकूल परिणाम, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के क्या निकालने हमने, अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, अभी हवा से दरवाज़ा खुल गया, तब तक मैं दरवाजे को बंद कर लेता हूँ, तब तक आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये दरवाज़ा खुलते देखो आप बोर्ड पर रोशनी कितनी आ गई है अचानक से, है ना। ठीक है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जैसे 1, 4, 9, यानी जिसका क्या होता है, स्क्वायर रूट इजिली हम निकाल सकते हैं। देखो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे, 1 4 का करेंगे, 2 ऐसे 9 का करेंगे, 3। ठीक है, तो ऐसी संख्या लिखनी है जो जिसका क्या हो, एक पूरा वर्ग बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसी संख्या देखो 1 है, फिर 4, फिर 9, 16, 25, 36, 49, फिर 64, फिर 81, और उसके बाद 10 का देखेंगे 100। बट आपके पास जो संख्या है टोटल कहाँ तक जाना है, हमने 90 तक जाना है, तो 100 क्या है, 90 से ज़्यादा। तो आपके पास टोटल आपके पास कितनी संख्या निकल के आई, जो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे काउंट कर लेते, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसे आपके पास कुल कितनी संख्या है, 9। कौन सी 9 संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। प्रायिकता लिख लेते हैं हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम फॉर्मूला लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अनुकूल परिणाम कितने आपके पास, 9, और कुल संभावित परिणाम, कुल संख्या आपके पास कितनी है, 90। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9/90, यानी सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1/10। तो आप कह सकते हो कि पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता कितनी आएगी आपके पास, 1/10। सेकेंड नंबर कंप्लीट। थर्ड नंबर देखते हैं क्या पूछा हमसे, इसमें कहा है 5 से विभाज्य संख्याएं। तो पहले हम लिख लेते हैं 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य का मतलब क्या है, जिसका भाग 5 से चला जाता है, यानी जो 5 के पहाड़े में आती है। तो 5 से विभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। अब 5 से विभाज्य कौन कौन सी हो जाती है, देखो पहली तो आपकी कौन सी है, 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और फिर
पैंतालीस, पचास, पचपन, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सी होती हैं संख्या, ठीक है। देखो हमें कहाँ तक जाना है, नब्बे तक जाना है, तो पचपन के बाद साठ, पैंसठ, सत्तर, पिचहत्तर, अस्सी, पिचासी और आखिरी आपकी कौन सी, नब्बे। तो इतनी संख्या है जो किसके पहाड़े में आती है, पाँच के पहाड़े में आती है। तो गिन लेते हैं टोटल कितने, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। तो ऐसी कुल कितनी संख्या निकल के आ गई आपकी, अठारह। तो क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पाँच से विभाज्य भाज्य संख्या होने की प्रायिकता, संख्या होने की प्रायिकता, ठीक है। फॉर्मूला फिर आप लिखोगे क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, तो पी ई बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास, 18, कुल संभावित परिणाम कितने हैं आपके पास, 90। देखो 18 का पहाड़ा 90 में जाता है या नहीं जाता है, जल्दी से 18 का पहाड़ा पढ़ो। देखो 18 कम 18, 18 36, 18 3 54, 18 72, 18 5 90। तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आ गया कितना आ गया यहाँ पे, 1/5। ये हो गया आपका कौन सा नंबर, थर्ड नंबर भी कंप्लीट। टोटल तीन चीज़ें आपको बतानी थी, पहला कि दो अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता बतानी थी, फिर एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, और तीसरा आपका पाँच से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को भी अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी स्टेप जो आपको समझ में ना हो ना आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना कि ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है, पासा यानी डाइस, ठीक है, जो आप लूडो खेलते हो उसके अंदर जो रेड या ब्लू कलर का रहता है डाइस, जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, अक्षर अंकित हैं। टोटल आपके पास अक्षर दे रखे हैं पासे पर, लिख लेता हूँ मैं। पहला है आपको दे रखा है ए, फिर उसके बाद दूसरा दे रखा है आपको बी, तीसरा सी, चौथे में टोटल कितने फलक होते हैं बताओ मेरे को जल्दी से, ठीक छः फलक होते हैं डी, और पाँचवे में दे रखा है आपको ई, और छठे पे फिर आपको दे रखा है क्या ए। ये एक पासा है जिस पर आपके इतने अक्षर अंकित है, यानी ए बी सी डी ई और लास्ट में क्या है ए। अब इसमें पूछा है कि एक पासे को एक बार फेंका, यानी उसने पासे उसने किया क्या, उस पासे को एक बॉक्स में डाला और हिलाया और एक बार फेंका, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, है ना। तो कुल अक्षर आपके पास कितने हैं, कुल अक्षर एक दो तीन चार पाँच छः, कुल अक्षर आपके पास छः। उसके बाद बोला है ए प्राप्त हो और फिर डी प्राप्त हो। इसमें आप अब आपसे दो चीज़ें पूछ रखी है, पहले तो ए के ए होने की प्रायिकता, फिर डी होने की प्रायिकता। तो हम फर्स्ट नंबर लिखते हैं ए होने के अनुकूल परिणाम, ए होने के अनुकूल परिणाम। आपके पास ए कितने हैं जल्दी से देखो, एक तो यहाँ पर है और कहीं पे है नहीं है, ये रहा देखो एक ए और एक ए और है आपके पास, तो टोटल कितने हैं आपके पास, एक और एक दो, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, दो। प्रायिकता निकालनी है, सीधे सीधे लिख लेते हैं ए होने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र जरूर बच्चों लिख देना कि अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम आपके कितने, दो, कुल संभावित परिणाम कितने, छः। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1/3, दो का भाग यहाँ भी चल जाएगा यहाँ भी चलेगा, देखो दो एक कम दो, दो तियाँ छः। तो ए यानी जब हम पासे को फेंकेंगे तो उसमें ए आने की प्रायिकता कितनी निकल के आ गई, 1/3। सेकेंड नंबर देखते हैं, इसमें बोला है डी, तो डी होने के अनुकूल परिणाम बता दो जल्दी से मेरे को, डी होने के अनुकूल परिणाम। डी आपके पास कितने जल्दी से देखो, एक दो तीन है नहीं, डी आपके पास कितने हैं, एक है, तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया आपके पास, एक। तो डी होने की प्रायिकता, डी होने की प्रायिकता। फॉर्मूला मैं बताऊंगा कि आप लिखोगे, आप लिखोगे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अनुकूल परिणाम एक, कुल संभावित परिणाम छः। तो सीधे सीधे इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 1/6, डिजाइन अलग हो जा रहा है, 1/6। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मैं पढ़ देता हूँ और इसमें एक आपको दे रखा है संकेत, 20 को ऊपर देखेंगे आप, आपको एक स्टार दे रखा है। इसमें कहा है मान लीजिए आप एक पासे पर, इसमें देखो जो स्टार दे रखा है और उसका देखो लास्ट में आपके बोल रखा है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है,
ठीक है, यहाँ आपको देखो यहाँ एक स्टार दिख रहा होगा और उसके बाद आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ दिख रहा है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं भी नहीं कराऊंगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आज तक ना आया और ना कभी आएगा, इसको आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। फिर भी आप अगर आप कमेंट में बताओगे कि सर ये वाला आप बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 भी, तो मैं आपको बता दूंगा। तो हम सीधा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन क्या हैं, खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से या दृष्टया एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे या, और फर्स्ट नंबर है जो कि आप वह पेन खरीदेंगे, सेकेंड नंबर है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। फिर यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछ रखी है, तो उससे पहले आपको जो दे रखा है वो कहा है कुल आपके पास कितने पेन हैं, 144 बॉल पेन है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल बॉल पेन कितने हैं, 144। उसके बाद फिर आपसे आगे कहा है कि इसमें क्या है, 20 बॉल पेन खराब है, खराब बॉल पेन कितने हैं, 20। अब आपको ये पता है कि आपके पास 144 पेन है, उसमें से आपके 20 खराब हो गए, तो आप मेरे को बता सकते हो कि आपके पास अच्छे बॉल पेन कितने बचेंगे? जल्दी मेरे लिखने तक ये बताओ कि कितने बचेंगे अच्छे बॉल पेन। चार में से जीरो घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों, चार, चार में से दो घटाएंगे दो और एक का एक आ जाएगा, यानी आपके पास अच्छे बॉल पेन कितने हैं, 124। अब इसमें आपसे दो चीज़ें पूछी हैं, दो चीज़ों की प्रायिकता पूछी है कि बोला है कि आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदेंगे। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर लिखता हूँ, मैं वो पेन कब खरीदूंगा, या मैं नहीं तो आप, ठीक है। तो आप वो पेन कब खरीदोगे, जब वो पेन क्या होगा, अच्छा होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे हम पेन तब खरीदेंगे जब पेन क्या होगा, जब पेन अच्छा होगा। खराब पेन तो नहीं खरीदेंगे हम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जब पेन क्या होगा, अच्छा होगा। अब अच्छा होने के, यहाँ पे अच्छा होने की बात हो रही है, तो हम क्या लिख लेंगे, अच्छा पेन होने के अनुकूल परिणाम, अच्छा पेन होने के अनुकूल परिणाम। कितने आपके पास अच्छे पेन, टोटल 124। प्रायिकता निकालनी है तो यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छा पेन होने की प्रायिकता। फॉर्मूला फिर आप लिखोगे यहाँ पे अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने आपके पास, 124। देखो अच्छा पेन होने के अनुकूल परिणाम कितने, 124। कुल संभावित परिणाम कितने आपके पास, 144। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, देखो दो का पहाड़ा ऊपर भी नीचे भी, दो शंक 12, दो दूनी 4, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, फिर दो से जाएगा दो तीन 6, दो एकम 2, फिर यहाँ पे जाएगा दो तीन 6, दो शंक 12, यानी जो आपका फाइनल आंसर निकल के आया क्या, अच्छा पेन होने की प्रायिकता 31/36। तो हम वो पेन जो खरीदेंगे, आपसे बोला है कि आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है, तो उसकी प्रायिकता क्या आ गई बच्चों, 31/36। सेकंड नंबर में बोला है कि आप वो पेन नहीं खरीदोगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो हम पेन कब नहीं खरीदेंगे, जब पेन क्या होगा, खराब होगा। तो हम लिख लेते हैं हम पेन तब नहीं खरीदेंगे क्या होगा, जब पेन अच्छा होगा, नहीं, जब पेन क्या होगा, जब पेन खराब होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखो, अब आपके पास खराब पेन कितने हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं खराब पेन होने के अनुकूल परिणाम, खराब पेन होने के अनुकूल परिणाम। खराब पेन कितने आपके पास, जल्दी से बताओ मेरे को, ऊपर दे रखा आपके पास कितने, 20। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, खराब पेन होने की प्रायिकता, खराब पेन होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, वो आपने फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। तो खराब पेन होने की प्रायिकता जो निकालेंगे हम, खराब पेन कितने आपके पास, 20, और अच्छे पेन टोटल मतलब कुल पेन आपके पास कितने हैं, 144। ठीक है, अनुकूल परिणाम 20, कुल संभावित परिणाम 144। दो का भाग दो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, यहाँ जाएगा 10 बार, यहाँ जाएगा 2 सत्ते 14, दो दूनी 4, फिर दो से जाएगा 2 पंजे 10, दो तीन 6, दो छंग 12, यानी जो आपका आंसर निकल के आया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये आपका आ गया 5/36।
यानी खराब पेन होने की प्रायिकता निकल के आई आपके पास 5/36, यानी हम पेन कब नहीं खरीदेंगे जब प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/36 होगी। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा 21 भी कंप्लीट। ठीक है, दोनों दो चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी थी कि वो पेन आप हम मतलब वो पेन हम कब खरीदेंगे जब पेन क्या होगा अच्छा होगा, और वो पेन हम कब नहीं खरीदेंगे जब पेन क्या होगा खराब होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। अब यहाँ देख रहे हो बच्चों बोर्ड तो पहले से भरा हुआ है, ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका सॉल्यूशन पहले ही कर दिया। तो सॉल्यूशन बच्चों कुछ नहीं किया, ये आपको जो बुक में दे रखा है वही मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ समझ जाओगे आप। इसमें कहा है उदाहरण 13 को देखिए और फर्स्ट नंबर में सारणी दे रखी है, टोटल दो क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। पहले मैं आपको ये सारणी दे रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सारणी आपको दिख रही है ये बनी हुई, ये सारणी मैंने यहाँ बनाई है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर पूछा है एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है और 12 है, मतलब 1 से लेकर 12 तक इन्होंने अंक लिखे हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, क्या आप इस तर्क से सहमत है, साधारण उत्तर दीजिए। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा एग्जाम्पल नंबर 13 में जाना, तो हम बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13 में आ गए। 13 नंबर पर आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं और नीचे ये आपकी सारणी दे रखी है। इसमें ये सारणी मैं अभी आपको समझा दूंगा कि ये कैसे बनाई है, ये आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें कहा है एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। अब इसमें जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो जब भी आप खेलते हो उसमें देखोगे एक पासा होता है जिसमें आपके क्या लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला, दो पासों को एक साथ फेंकना है। कितने पासों को फेंकना है, दो पासों को एक साथ फेंकना है। तो अब जब आप दो पासों को फेंकेंगे तो देखोगे इनके अलावा कोई और संख्या आपकी नहीं निकल के आएगी। अब बताओ जब आपने पहले पासों को फेंका उसमें आ गया 3, फिर जब आप दूसरे को फेंका दूसरे में देखा आपने क्या आ गया 4 आ गया, तो 3 4। अब पहला फेंका उसमें छक्का आ गया, दूसरा फेंका उसमें भी छक्का आ गया। देखो इतनी टोटल संख्या है, जब आप इसको गिनोगे देखो 1 2 3 4 5 6 एक लाइन में है, ऐसी कितनी लाइन है आपके पास 6, तो कुल कितनी संख्या निकल के आ जाएंगी आपके पास 36। तो आप बोल सकते हो कि कुल आपके पास संभावित परिणाम कितने हैं 36 है। यहाँ पे देख सकते हैं कुल संभावित परिणाम कितने आ गए आपके निकल के 36, संभावित परिणाम मिल गए। उसके बाद बोला है ये जो आपकी संख्याएं हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, यानी ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका योग करने पर 3 आए, योग करने पर 4, योग करने पर 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें देखो ये सारणी आपने कैसे बनानी है, क्वेश्चन जब भी आएगा कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो आपने क्या लिखना है, गिनती लिख लेनी। देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी पहले वाला पासा को, ये जो आपका आगे है वो पहला वाला पासा है, जो पीछे है वो आपका दूसरा वाला पासा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं आपने क्या करना है 1 से लेकर 6 तक 6 लाइनें बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने 1 1 1, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3, पीछे देखो 4 4 4, फिर 5 6, इस तरह से आपने कंप्लीट दो पासों को एक साथ फेंकने की कुल संभावित परिणाम निकाल लेने हैं। कितने निकल के आ जाएंगे 36। अब प्रायिकता निकालनी है जिसका योग 2 हो, इसका इन्होंने पहले दे रखा है 1/36। तो अब हम देख लेते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं कि 1/36 सही है या गलत है। योग ऐसी संख्या देखनी है जिनको जोड़ने पर आपस में कितना आ जाए 2 आ जाए। तो देखो ये 1 है और ये 1 है, इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ूँ तो 1+1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो अनुकूल परिणाम यानी संख्या के अंकों का योग कितना 2 आने पर अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 1, और कुल संभावित परिणाम आपके कितने हैं 36। तो यानी 2 योग आने के कितने आगे आपके प्रायिकता 1/36। ऐसे दूसरा वाला है योग कितना आने पर 3 आने पर, तो 3 देखोगे 2+1 को जोड़ोगे 3 आ जाएगा, यानी 1 ये, और 2+1 को जोड़ोगे आ जाएगा 3 ये। तो टोटल आपके पास कितने परिणाम हो गए 2, और कुल संभावित परिणाम आपके पास कितने हैं 36 दूसरा हो गया। तीसरा है 4, योग करने पर कितना है 4 है, तो देखोगे 3+1 4, 2+2 4, 3+1 4, तो कितने टोटल 1 2 3। तो ये इसका क्या आ जाएगी प्रायिकता, यानी संख्याओं के अंकों का योग, ठीक है, कितना आ जाएगा दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना आने पर 4, तो 4 के कितने हो जाएंगे 3/36। ऐसे 5 देखने हैं, तो ये आप लाइन देख सकते हैं, इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर लेने तो आपको सीधा सीधा आंसर पता चल जाएगा। देखो 4 और 1 5 3 2 5 3 2 5 4 और 1 5, तो कितनी संख्या है आपके पास 1 2 3 4, तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों 4/36। अनुकूल परिणाम 4 किसका योग कितना 5 आने पर, यानी संख्याओं का योग 5 आने के प्रायिकता या अनुकूल परिणाम कितने 4, प्रायिकता कितनी हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम 4 कुल संभावित परिणाम 36, तो 4/36। ऐसे 6 का बताओ, 6 के लिए भी आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी पूरी स्ट्रेट इस तरह से, ये घुमाकर लिख लो, देखो 1 2 3 4 5, तो 6 आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 5, और कुल संभावित परिणाम कितने 36। देखो जोड़ लेते हैं 5 और 1 6 4 2 6 3 3 6 4 और 2 6 5 और 1 6। ऐसे 7 का, 7 के लिए भी ये वाली लाइन यहाँ से बन जाएगी पूरी कंप्लीट, देखो इसको गिन लेते, देखो 6 और 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 और 1 7, तो ये कितना आ गया 1 2 3 4 5 6।
इसके आगे कितने 6/36, अनुकूल परिणाम 6, योग आने के कितना 7 और कुल संभावित 36, तो 6/36 होगी प्रायिकता किसके, संख्या का योग कितना आने पर 7 आने पर। नेक्स्ट देख लेते हैं योग कितना 8, तो 8 का कितना है देखो 5/36, 8 का देख लेते हैं, देखो ये वाली लाइन आ जाएगी कंप्लीट, कितना योग 8 प्राप्त होने के लिए, कहाँ जा रही लाइन इधर को आएगी, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 5, 3, 8, 4, 4, 8, 5, 3, 8, 6, 2, 8, तो टोटल कितना हो गया 5/36, ये ऑलरेडी बुक में आपको दे रखा है। फिर है 9, तो 9 का देख लेते हैं, देखो फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधी सीधी, देखो 6, 7, 8, 9, 5, 4, 9, 5, 4, 9, 6, 7, 8, 9 कितने 1, 2, 3, 4, तो इसका आ जाएगा कितना 4/36। नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां नंबर, योग कितना आने पर 10, तो ऐसी कितनी संख्या आपके पास 3, देखो 6, 4, 10, 5, 5, 10, 6, 4, 10, तो इसका कितना आ जाएगा 3/36। आखिरी बचा आपके पास 11 वाला, तो 11 के कितने आ जाएंगे 2, 5, 6, 11, 6, 5, 11, तो इसका आ जाएगा 2/36। लास्ट वाला 12 योग आना है, तो देखो 6+6 कितना आ जाएगा 1, तो 1/36। तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें एक दूसरा चीज़ भी पूछ रखी है, उसका भी आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। अब कोई विद्यार्थी है जो ये कह रहा है कि ये जो आपकी संख्या दे रखी है 2 से लेकर के 11 तक, क्या कह रहा है 2 से लेकर के 11 तक आपके पास कुल कितने परिणाम है 11, है ना, यानी यहाँ से हम गिने देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कुल संभावित परिणाम क्या रहा है वो क्या है आपके पास 11 है। अब बोला है कि इसमें से प्रत्येक की प्रायिकता, यानी 2 की प्रायिकता, 3 की प्रायिकता, 4, 5, 6, 7, इनकी प्रत्येक की प्रायिकता है कितनी आएगी 1/11। वो ये कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता कितनी आनी चाहिए 1/11 आ रही है, 11 आनी चाहिए, ये उस विद्यार्थी का कहना है। बट पर बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 2, 3, 4, इनकी प्रायिकता ये नहीं है, इनकी प्रायिकता देखो 1/36, इनके जो संभावित परिणाम है वो 1 है, फिर यहाँ 2, ये 3, यानी 4 3 बार आ रहा है, 5 4 बार आ रहा है, 6 5 बार आ रहा है, 7 6 बार आ रहा है, 8 5 बार 9, यानी इनकी जो प्रायिकता है वो क्या आ रही है अलग अलग आ रही है, भिन्न भिन्न आ रही है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर आएगा कि ये जो प्रत्येक परिणाम है उसकी जो प्रायिकता है वो संभावी नहीं है, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा होगा जिसमें आपसे पूछा था कि संप्रायिक है या नहीं है, यानी किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है या नहीं है, आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखा होगा। वही चीज़ आपने यहाँ पर लिख देनी है कि पहला तो उसने ये बोला है कि क्या आप इस तर्क से सहमत है, तो हम लिखेंगे हम इस तर्क से सहमत नहीं है, हम इस तर्क से सहमत नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो प्रत्येक के जो परिणाम है वो क्या समान नहीं है, यहाँ देखो 6 5 बार आ रखा है, 5 4 बार आ रखा है, तो देखो उसने बोला कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 आनी चाहिए जब आपके पास कुल 11 परिणाम है, तो हम क्या लिखेंगे हम इस तरीके से सहमत नहीं है क्योंकि जो परिणाम है वो क्या है समसंभावी नहीं है, यानी समान नहीं आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। आई होप इसमें आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो लास्ट में आपने जो कारण लिखना है बोलोगे कि ये 11 परिणाम क्योंकि ये 11 परिणाम समसंभावी नहीं है, समसंभावी समसंभावी नहीं है, यानी ये टोटल आपके पास 11 परिणाम है बट जो इनके अंदर की प्रायिकता देखोगे तो वो अलग अलग आ रही है ना, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया कि हम इस तरीके से सहमत नहीं है जो वो विद्यार्थी कह रहा है, क्योंकि इसके 11 परिणाम समसंभावी नहीं है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बहुत कम आता है। तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर जो 23 है 23, ये आपके सिक्के से रिलेटेड है। कहा है एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। कोई एक लड़का है जिसका नाम हनीफ है, बोला कि अगर 3 बार टेल आ गया या फिर 3 बार हेड आ गया तो वो जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा, यानी अगर और कुछ आता है तो वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जीतने और उसके हारने के टोटल अनुकूल परिणाम कितने हैं, है ना, हारने के देख लेते हैं और जीतने के देख लेते हैं। सबसे पहले हम टोटल 3 सिक्के हैं, तो एम दिला एक चीज़ लिख लेते हैं कि एक सिक्के पर चित व पट होता है, जिसे हम चित को देखो हेड से,
चित को एच यानी हेड व पट को टेल कहते हैं। ठीक है, तो अब तीन सिक्के उछाले, मैं यानी एक सिक्को को तीन बार उछालना है या तीन सिक्के एक साथ उछाल लो कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले हमने सिक्का उछाला, पहला वाला सिक्का, उसमें हेड आया। ठीक है, ये हम परिणाम लिख रहे हैं, देखो पहले में आया हेड, फिर दूसरे वाले में हो सकता है हेड आ जाए, तीसरे वाले में क्या आ जाए, हेड आ जाए। एक तो ये चांस है या नहीं है, यानी आप तीन सिक्के उछाले तीनों में क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो ये चांस भी है। फिर मान लो पहले वाले में हेड आ गया, दूसरे वाले में हेड आ गया, तीसरे वाले में टेल आ गया, ये चांस भी है। पहले उछाला हेड आया, दूसरे उछाला हेड आया, फिर तीसरा उछाला आपने क्या किया, टेल आ गया, ये चांस भी है। फिर आप क्या बोल देखोगे कि हेड आ गया, टेल आ गया, फिर हेड आ गया, यानी पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में टेल आया, तीसरे वाले में हेड आ गया, ये चांस भी है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि पहले वाले में क्या गया, टेल आ गया, दूसरे वाले में हेड आ गया और तीसरे वाले में हेड आ गया, ये परिणाम है। या तो फिर क्या हो सकता है, तीनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए, पहला उछाला टेल, दूसरा उछाला टेल, तीसरा उछाला टेल आ गया। फिर ये भी हो सकता है कि पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा हेड आ जाए। फिर ये भी हो सकता है पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा टेल हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा टेल। ठीक है, टोटल ये आपके कितने परिणाम निकल के आ गए, 8। इसके अलावा और कोई चांस है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो टोटल आपके 8 चांस बनेंगे। तो यानी तीन सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने निकल के आएंगे बच्चों आपके, 8। गिन लेते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, कुल संभावित परिणाम। अब हनीफ जो है वो लड़का कब जीत रहा है, या तो जब तीनों बार क्या है, हेड है, या फिर तीनों बार टेल है। बट यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बतानी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हनीफ खेल तभी जीतेगा जब तीनों बार क्या है, चित या पट आए, तभी वो जीतेगा। तो हनीफ में यानी इसके चांस कितने हैं, हनीफ के खेल में जीतने के चांस, देखो हेड या टेल कितनी बार आ रखा है यहाँ पे, तीनों बार हेड, तीनों बार टेल, तो दो बार इसकी, यानी इसके चांस कितने हैं जीतने के, यहाँ पे लिख लेते हैं हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल परिणाम। टोटल कितने आ रहे हैं, 2। जीतने के चांस उसके 2 हैं, बट हारने के कितने, हम क्या कर देते हैं, कुल में से 8 में से 2 माइनस कर देते हैं। हनीफ के खेल में हारने, ये बच्चों आपने डैश डैश नहीं करना है, आप पूरा लिखना है हारने के अनुकूल परिणाम। टोटल 8 हैं, 8 में से आप 2 माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 6। यानी 6 चांस उसके हारने के हैं और 2 चांस उसके जीतने के हैं। अब हारने की प्रायिकता पूछिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम। बच्चों यहाँ पे देखो फॉर्मूला आप लिख देना, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। हारने की अनुकूल परिणाम कितने उसके बच्चों, 6। कुल संभावित परिणाम 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 का भाग दोनों में जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। यानी हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बच्चों कितनी है, 3/4। आई होप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, इससे पहले आप लगभग इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। इसमें कहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, पहला नंबर आपसे पूछा है। फिर दूसरा नंबर बोला है कम से कम एक बार आएगा, कौन, 5। फिर आगे संकेत दिया है, कहा है एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासे को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। यानी आप एक पासे को 2 बार फेंक लो, पहले फेंका फिर दूसरा फेंका, फिर या फिर 2 पासे ले लो, दोनों को एक साथ फेंको, बात एक ही है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पासे में प्राप्त कुल संभावित परिणाम
परिणाम, ये आपके बच्चों आएंगे 36। अभी मैं समझा देता हूँ कैसे। देखो दो पासा फेंका, पहले पासे को फेंका एक आ गया, दूसरे पासे को फेंका उसमें भी एक आ गया। ऐसे अब बच्चों मैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 22 में समझा चुका हूँ, तो मैं फटाफट कर देता हूँ। देखो एक दो मैंने कहा था, आप क्या लिख लेना, 6 बार लिख लेना गिनती 6 लाइनों में, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 22 में पहले बना दिया था क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं ये सब देख के। क्योंकि कितनी बार हो गया, 4, मैंने कितनी बार कहा है, 6 बार कहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 बार गिनती लिख दी आपने, कहाँ से कहाँ से लेकर के, 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। ये दोनों 6 थोड़े से ज़्यादा ऊपर चले गए थे। अब आपने क्या लिखना है, फिर गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5 6। अब गिनती आप पहले ऐसे लिखिए, अब इस तरह से लिखनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर इधर एक, हाथ भी दर्द होने लग गया, 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आप देख गिन सकते हो 36 आ गए, 6 इधर, फिर 6 हर लाइन में, 6 एक लाइन में, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 24, 6 35, 6 छंग 36, तो कुल संभावित परिणाम बच्चों आपके कितने आ गए, 36 आ गए। अब इसमें आपसे दो चीज़ें पूछ रखी हैं कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो 5 किसी भी बार ना आने के अनुकूल परिणाम, किसी भी बार ना आने के अनुकूल परिणाम। अभी समझा देता हूँ कि ये 5 किसी भी बार ना आने का मतलब क्या है। यानी अब आपने टोटल 36 परिणाम देखने हैं, उसमें ये देखना है कि 5 किस किस में नहीं आया है। तो आप देखोगे तो एक तो ये मतलब किस किस में आया है, पहले आप ये देख लो, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी बार आया है, तो आप कुल 36 है, 36 में से जितनी बार आया है वो माइनस कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार नहीं आया है। तो देखो एक इस लाइन में आपको 5 दिखेगा, ठीक है, जिसमें आपको 5 दिख रहा है, और एक आपको दिखेगा इस वाली लाइन में, है ना, 5 सभी को दिख रहा है अच्छे से। देखो 5 5 5 5 और इधर भी 5 5, तो ये यहाँ से हमको पता चल जाएगा 5 कितनी बार आया, बट हमको क्या बताना है, 5 किसी भी बार ना आने के अनुकूल परिणाम। तो कुल कितनी बार आया ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको दोबारा नहीं गिन देना क्योंकि एक बार आप इस लाइन में गिन चुके हो, तो ये नहीं कि बच्चे 12 लिख दे रहे, 11 12 आएगा, ठीक है, 6 ऐसे करके, फिर यहाँ पे इसको गिन चुके, तो इसको हम छोड़ेंगे, 6 7 8 9 10 11, तो कितनी बार आया, 11 बार आया। तो हम टोटल क्या करेंगे, 36 में से क्या कर देंगे, 11 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा आपके पास, 5, 3 में से एक जाएगा बचेगा 2, यानी किस 5 किसी भी बार ना आने के अनुकूल परिणाम कितना आ गया, 25। अब गिन लेते हैं अलग से भी, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और एक ये 25, ठीक हो गया। प्रायिकता निकालनी तो हम लिख लेते हैं, 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता, फॉर्मूला आप लिखोगे क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने, 25 5 ना आने के, कुल संभावित परिणाम कितने, मैंने बोले स्टार्टिंग में 36, ठीक है। अब देखो यहाँ किसी का भाग किसी में नहीं जाएगा, ना तो 25 में ना 36 में, तो इसका जो आंसर आ जाएगा सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 25 बटे 36। आई होप बच्चों इसको जो फर्स्ट नंबर आप इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसी का सेकंड नंबर बोला है कि 5 कम से कम एक बार आया हो, क्या लिख लेंगे, 5 क्या कहा है क्वेश्चन में, 5 कम से कम एक बार आया हो, तो 5 कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम, एक बार आने के क्या, अनुकूल परिणाम। तो अब गिन लेते हैं 5 कम से कम एक बार, एक बार आया हो, तो देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर यहाँ पे देखो 5 आया है, कम से कम एक बार बोला है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बोला होता तो फिर
आपने इसको काउंट नहीं करना था। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 कम से कम कितनी बार आया है, 11 बार आया। अनुकूल परिणाम मिल गए, प्रायिकता निकालनी है, लिख लेते हैं 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता है, एक बार आने की प्रायिकता। फॉर्मूला हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, जहां मैं बराबर करके छोड़ दे रहा हूं आपने वहां पे सूत्र लिखना। अनुकूल परिणाम कितने 11, कुल संभावित परिणाम कितने 36। तो ये था आपका कि 5 कम से कम एक बार आने के प्रायिकता 11/36 और 5 कम से कम एक बार ना आने की प्रायिकता 25/36। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा 24 कंप्लीट। तो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें खाली हमें सत्य व असत्य बताना है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कहा है यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, दो चित्त दो पट या प्रत्येक बार प्रत्येक एक बार है। तो इसमें बोला है 3 संभावित परिणाम होंगे, तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब हम दो सिक्कों को उछालेंगे तो जब आप दो सिक्कों को उछालेंगे पहले पे हेड दूसरे पे हेड आ सकता है, फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे क्या आ सकता है टेल। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कुल संभावित परिणाम कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जब आप दो सिक्कों को उछालेंगे तो संभावित परिणाम 3 आते हैं, तो सीधा सीधा हमको यहीं पर पता चल रहा है कि ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है। तो आपने फर्स्ट नंबर डाल के क्या लिख देना है, कथन असत्य है। खाली ट्रू फॉल्स बताना है, और क्यों असत्य है ये भी आपको पता चल गया होगा, कथन असत्य है। अगर बोला होता 4 संभावित परिणाम है तब आप इसको आगे सॉल्व करते, ठीक है। फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर देखते हैं क्या कहा है इसमें। सेकंड नंबर में कहा है यदि एक पासे को फेंका जाता है, पासा यानी जो आप लूडो खेलते हो उसमें जो पासा होता है, अब एक पासे को फेंका जाता है और फिर आगे कहा है इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। उसने बोला है विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है जब हम एक पासे को फेंकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एक पासे को फेंकने पर जो हमें प्राप्त परिणाम होते हैं वो कितने होते हैं, पासे पर प्राप्त अनुकूल परिणाम, सॉरी पासे पर प्राप्त कुल संभावित परिणाम, पासे पर प्राप्त कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं बच्चों, एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक करके लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो भी हम यहां पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कुल आपके पास कितना हो गया संभावित परिणाम 6। अब यहाँ पे सम और विषम संख्या का बोला है, तो सम संख्या आप लिख लो, सम संख्या बराबर, सम संख्या कौन कौन सी जिसका भाग 2 से चले जाता है, तो 2 4 6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल आपके पास कितनी सम संख्या है 3, ठीक है। ऐसी विषम संख्या कितनी हो जाएंगी, विषम संख्या 1 जिसका भाग 2 से नहीं जाता है, 1 3 5, ये भी आपके पास कितनी है कुल 3। अब बोला है विषम संख्या की प्रायिकता कितनी 1/2, तो चेक कर लेते हैं 1/2 आएगी या नहीं आएगी। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, फॉर्मूला कौन लिखेगा, मैं कि आप लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अब विषम संख्या होने की अनुकूल परिणाम कितने हैं बच्चों आपके पास 3, कुल संभावित परिणाम कितने हैं 6। सॉल्व करोगे देखोगे 3 1 3 3 2 6, तो जब आप यहाँ देखोगे तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी आ रही है 1/2 आ रही है, और क्वेश्चन में यही चीज़ बोले कि इसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। तो यानी यहाँ पे आप कह सकते हो दिया गया कथन क्या है, कथन दिया गया कथन क्या है सत्य है, कथन सत्य है। तो ये हो गई आज बच्चों आपकी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आज आपकी मैथ की बुक कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम था प्रायिकता, 15 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और मेरे द्वारा आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक का सॉल्यूशन सारा A to Z करा दिया गया, कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। पूरे चैप्टर में पूरी बुक में आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आया तो जरूर बच्चों कमेंट में किसी भी वीडियो पर आप कमेंट डाल देना कि सर ये वाला हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं तुरंत आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। आई होप बच्चों आप क्लास 10th की हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक देखा है सॉल्यूशन। तो बाकी सभी आप लोगों को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों नई वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो मिलते हैं बहुत जल्द।